नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका अपना श्रवण सीएलसीसी कर से। आप दोस्तों इस समय जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता एग्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12 से 2 के बीच राजस्थान के 270 परीक्षा केंद्रों पे दी है, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन सीएलसीसी करके यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। क्यों, सही कह रहा हूं? बोलो पेपर कैसा रहा, मजा आया? देखो ओएमआर सीट मिली है ना, एक इतना सुंदर सा पेपर आपके पास आया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपने पहली बार दी। एक बात ध्यान चाहूं बच्चों, गार्जियंस आप भी इसको देख रहे हैं सुने, ये एग्जाम केवल स्कॉलरशिप का मकसद नहीं होता हमारा। इस एग्जाम का मकसद केवल स्कॉलरशिप नहीं है, केवल एडमिशन नहीं है। इस एग्जाम का मकसद है कि पांचवीं, छठी, सातवीं में ही बच्चे को बता दिया जाए कि ओएमआर सीट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्या होती है, कि साहब नीट और जेई या कोई भी एग्जाम देना कॉम्पिटिटिव, करीब करीब एग्जाम्स आजकल कहाँ होती है, ओमार पे होती हैं। तो आप सोचो कि एक पांचवी क्लास का बेटा बेटी आज ओमार को भर रहा है, हो सकता है उसे गलतियां हो गई होंगी, हो सकता है एग्जाम को ढंग से नहीं दे पाया होगा, फिर भी उसने एक कदम बढ़ाया अपने अच्छे भविष्य की तरफ। तो ये वीडियो सोल्यूशन आप देख रहे हैं, हर क्लास का अलग अलग वीडियो सोल्यूशन है, पूरा वीडियो सोल्यूशन देखें। आपको किसी भी प्रश्न में लगता है कि हमने सॉल्यूशन गलत दे दिया या कि गलत है, तो प्लीज आप अपना नाम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे इस नंबर पे 9928738888 व्हाट्सएप कर दें। आप लोग बोलो हाँ या ना, और 27 तारीख की रात को 9 बजे इस पेपर की आंसर शीट भी आपके पास आ जाएगी। इस पेपर की आंसर शीट भी आज 27 फरवरी को ही रात को 9 बजे हमारी साइट पे, साइट कौन सी, dtac.clcparivar.in, यानी इस एग्जाम की जो भी हिस्ट्री है वो सारी यहीं रहेगी। अब फिर से एक बार स्लाइड देख लें, dtac.clcparivar.in। ओके, एग्जाम हो गई, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, डाउट खत्म हो गए, आंसर मिला लिए, नंबर जोड़ लिए। ओके डियर, रिजल्ट कब आएगा? ध्यान आपको, रिजल्ट आएगा 3 मार्च को शाम को 5 बजे। हाँ, वो इस साइट पे जाओ, देखो आप साइट पे जाओगे, ये रिजल्ट की साइट खुलेगी 3 तारीख को 5 बजे। देखो ये रहा, अपना रोल नंबर फीड करो, अपना मोबाइल नंबर फीड करो। अब पुरस्कार कब दिए जाएंगे, लो लिस्ट पड़ी। वैसे आपको पता है आपके पेपर के लास्ट पेज पे देखा होगा ना ये किस जिले में हम लोग कब आ रहे हैं, बाकी स्लाइड भी देख लो आप हमारी साइड पे। हाँ, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, राजसमंद की डेट्स हम होली के बाद देंगे, क्योंकि आपको पता 5 मार्च से लेके 16 मार्च तक लगातार मैं फंक्शन कर रहा हूँ। हाँ, मैं खुद आ रहा हूँ सर, बिल्कुल 29 के 29 जिले में खुद कवर करने आऊंगा। नो डाउट लोड रहेगा, भागदौड़ रहेगी, लेकिन दोस्तों झोंपड़ी में बैठी खोपड़ियों को आगे बढ़ाना, प्रतिभाओं को तलाश कर आगे लेके जाना, मेरे जैसे बहुत से और भी श्रवण गांव में बैठे होंगे, मेरे जैसे बहुत से श्रवण को श्रवण सीएलसी तक के मुकाम पे पहुंचाने का अभियान आखिरी सांस तक रहेगा मेरा। सीएलसी बाई चांस नहीं है साहब। आज के 26 साल पहले जब सीकर में मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, माफी चाहता हूँ गलत शब्द काम ले रहा हूँ, अपने आप में कैरियर का सुसाइड केस था ये। आज तो लोग नकल करते हैं यहाँ, आज तो चलते हुए बाजार में कोई भी अपने ठेला लगा लेता है, लेकिन हमने सीकर की जमीन पे एक बीज बोया, उस बीज की खुशबू है कि आज हजारों हजारों बेटा बेटी हर साल सीएलसी के माध्यम से मेडिकल में जाता, आईटी में जाता, एनआईटी में जाता है। सीएलसी ना किसी की होड़ में बनी, ना किसी को तोड़ के बनी, सीएलसी मूल बीज है, एक विचार बीज है जो जमीन फोड़ के बनी। और इसीलिए दोस्तों आज 270 गार्जियंस, आप सोच के देखो राजस्थान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एग्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है, अल्टीमेट पेपर, उसका रिजल्ट कब आएगा, आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, आप की देख रहे हैं, उसके बाद फंक्शन, और हर जिले पर आकर। ऐसा नहीं कि एग्जाम काली फिर मैं आओ सीकर आ जाओ हमारे पुरस्कार लेने, क्यों भाई सीकर क्यों आओ, सीकर तो बाद की बात है, आपके जिले पर आकर आपका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। डेट और टाइम आप जरूर प्लीज वॉच कर ले। हाँ, पुरस्कार वितरण समारोह में सभी मेरे अपने सादर आमंत्रित हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दी है उनको तो आना ही आना है, अन्य बच्चे भी, मोटिवेशनल सेमिनार भी होगा हमारा वहां, उसको सुनना भी आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। वैसे इस कोरोना के टाइम में मेरे शाम के लाइव सेशन से बहुत से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे अपने जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान है ना, मैं डेली शाम को 6:30 बजे सीएलसी सीकर फेसबुक पेज, सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल और श्रवण सीएलसी मेरे जो पेज है उन सब पे 6:30 लाइव आता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज लेटेस्ट वीडियो से पहले ही हमारे भरतपुर के दो बहुत ही गांव के सिंपल से किसान भाई आए, उन्होंने कहा चौधरी साहब हम आपका लाइव देखते तो सिर्फ मेरे आंखों पानी आ गया। उस दिन पता लगा कि दोस्तों हकीकत ये है, भगवान कृष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी कि यदि कर्म को मन से किया जाए तो
तो फल की इच्छा करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, फल भगवान अपने आप देता है जो दे रहा सीएलसी को। ओके, वापस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है डियर, तो एग्जाम होगी, वीडियो सोल्यूशन देख लिया कि आ गई, 5 मार्च से 16 मार्च तक आपको फंक्शन में आना है। हाँ भाई, फंक्शन में आने के लिए, पुरस्कार के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र की कॉपी साथ लानी होगी। और एक बात निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप फंक्शन में नहीं आ पाए तो फिर पुरस्कार देने के लिए संस्था की व्यवसायिक जिम्मेदारी नहीं है, फ्रेंडली जिम्मेदारी फिर भी हमारी है। हाँ, सीकर कभी आओगे तो दे दिया जाएगा। आप सोचो कि उदयपुर फंक्शन था, मैं वापस उदयपुर पुरस्कार देने आऊंगा, संभव नहीं हो सकता। हाँ, सीकर आने के बाद आप पुरस्कार बाद में दे सकते हैं। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, फंक्शन जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फंक्शन पे आपको पुरस्कार लेना है तो प्लीज खुद आना पड़ेगा, एडमिट कार्ड साथ लाना होगा, और नगद पुरस्कार के लिए आपको अपना आधार कार्ड भी साथ लाना होगा। और इसके अलावा मैं इस वीडियो से सब अपनों से अपील करता हूं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो जीतना जानते हैं दोस्तों, जो जीना जानते हैं, रो काम सिखाती है सीएलसी, सीएलसी जीतना सिखाती है, जीना सिखाती है, ये सुनना देखना है तो आपका अपना श्रवण आपके खुद के जिले में आ रहा है आपसे बात करने के लिए। हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग्स, लोड रहेगा पर फिर भी एक जुनून है, फिर किसी झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी को आई टीम भेजना है, फिर किसी एक सामान्य से परिवार के बच्चे को दिल्ली एम्स भेजना है। साहब सपने बड़े हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, सपने बड़े हैं तो जगना ही पड़ेगा ना साहब। कलाम साहब की बात साहब बहुत अच्छी लगती है कि सपने वो नहीं होते सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। और इसी सपनों को पूरा करने के लिए हम जिले जिले, गांव गांव, डगर डगर घूम रहे हैं। क्योंकि माफी चाहता हूं उन लोगों के, तो बहुत रखवाले हैं जिनके घर में अर्थ भी है और गाइडलाइन भी है, श्रवण और सीएलसी तो उनके सारथी हैं, जिनके घर में ये नहीं पता आईटी मेडिकल क्या होती है, अर्थ का भी थोड़ा अभाव है, थोड़ा अभाव गाइडलाइन का भी है, वो घबराए नहीं, आपके साथ आपका श्रवण है ना, आपकी सीएलसी है ना। ओके डियर, तो बहुत सारी बातें हैं, फंक्शन में आना है, किस दिन किस जिले में आपका फंक्शन है उस दिन आना है, 1.5 से 2 घंटे आपके साथ रहूंगा, बातें करेंगे। और मेरे सारे अपने, प्लीज 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 निवेदन है आपके भाई का, सारे अपने इस विजय उत्सव में, इसको नाम विजय उत्सव पर पुरस्कार वितरण समारोह बोल दो चाहे विजय उत्सव बोल दो, आप सब साधन आमंत्रित। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी। नमस्कार, जय सीएलसी। आई एम नीरज चास्टा, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, डीटीएससी 2022 पेपर सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम फिजिक्स पेपर सॉल्व करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। और फिजिक्स पेपर में हमारे पास 50 क्वेश्चन थे और वो पूरा एंटायर 11th का कोर्स कवर करते हैं, तो हम बात करते हैं कि किस तरह से पेपर का पेपर सॉल्यूशंस रहेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और बात करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट आर इज, ठीक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का मात्रक क्या होगा। ठीक है, बात करते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक के लिए अगर अपन सिचुएशंस की बात करें तो सबसे पहले हम गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, दैट इज पीवी इक्वल्स टू, ये रहेगा हमारे पास कितना, दैट इज एनआरटी। ठीक है, तो यहां पर ये है सार्वत्रिक गैस नियतांक, और अगर अपन बात करें गैस कॉन्स्टेंट के लिए तो गैस कॉन्स्टेंट इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास कितनी, दैट विल बी पीवी अपॉन क्या हो जाएगा, एन टी। ठीक है, अगर अपन इसकी यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास पीवी की यूनिट रहेगी और एनटी की यूनिट रहेगी। यहां पर पीवी, पी और वी की यूनिट जो रहती है वो हमेशा बनती है जूल, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि गैस सिस्टम में, गैसियस सिस्टम में अगर अपन बात करें तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन दैट इज पी डेल्टा वी, तो वर्क डन पी डेल्टा वी रहेगा, तो पीवी की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी अपने पास, जूल बनेगी। ठीक है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएंगे अपने पास कितना मोल, और ये टेम्परेचर है तो यूनिट रहेगी हमारे पास केल्विन। तो अगर अपन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए बात करें, देन द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विल बी जूल पर मोल केल्विन। तो देखते हैं हमारे पास जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, और जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज जूल पर मोल केल्विन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द इक्वेशन पी, दैट इज ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ठीक है, हमें ए अपॉन बी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है जबकि हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर पी इज प्रेशर, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी टाइम। हमें यहाँ पर a बटा b की विमा ज्ञात करनी है, जहां पर हमें ये समीकरण दिया हुआ है जिसमें ये राशियां दाब, समय और दूरी दी गई है। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं कि सिचुएशन क्या रहेगी। इस इक्वेशन पे अगर अपन चलते हैं तो हमेशा हम लोग फिजिक्स का बेसिक रूल ये ध्यान रखेंगे कि जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने वाली क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशन या उनकी यूनिट्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो हमारे पास इक्वेशन ये है दैट पी इज इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा हमने पास बी एक्स, ठीक है। तो ए और टी स्क्वायर जो है इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो क्वांटिटीज रहेगी इनकी यूनिट्स जो रहेंगी वो सेम रहेगी। या कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि ए की डायमेंशन के लिए बात करूं तो ए की डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर की डायमेंशन रहेगी, ठीक है। टी स्क्वायर की डायमेंशन, टी अपने को बोल रखा है दैट टी इज टाइम, तो अगर अपन ए की बात करें तो ए की डायमेंशन आपके पास क्या हो जाएगी, दिस विल बी टी स्क्वायर और टी टू। आगे चलते हैं, हम लोग को बी के बारे में बात करनी है। अब यहां से थोड़ा सा अपन यहां पर यूज कर सकते हैं कि ये दोनों जो सब्ट्रैक्ट होंगे उसके बाद यहां पर रिजल्टेंट जो डायमेंशन बनेगी, ए में से टी को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट बनता है वो भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम डायमेंशन में रहेगा। कहने का मतलब टाइम में से टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम ही मिलेगा, डिस्टेंस में से डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगी। यानी कि ए और टी स्क्वायर में से अगर अपन कुछ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी मिलेगी। यानी कि ये जो पूरा सिस्टम रहेगा, इस पूरे सिस्टम में आपको ऊपर जो रिजल्ट मिलना है वो हमेशा ए की डायमेंशन के इक्विवेलेंट ही मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, इधर आपके पास प्रेशर है और प्रेशर होता है हमारे पास क्या, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इधर अपने पास क्या है बी और एक्स अपने पास क्या दे रखा है, दैट इज लेंथ, ठीक है। तो अपने को कैलकुलेट करना है ए की डायमेंशन अपॉन बी की डायमेंशन। तो हम लोग देख सकते हैं दैट डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू, इधर अपने पास चल रहा है फोर्स, ये गया अपने पास इधर लेंथ, अपॉन अपने पास क्या हो जाएगा एरिया। चेक करते हैं, दिस विल बी, ये हो जाएगा फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, इधर अपने पास लेंथ है और नीचे अपने पास एरिया है, दैट विल बी l2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा l2 से l2 कैंसिल और हमारे पास रिजल्ट बनेगा द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b विल बी m1 l t l0 t माइनस क्या रहेगा 2। एक बढ़िया और एक सिंपल क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने यूज किया डायमेंशंस के और हमारे पास रिजल्ट बन रहा है m1 l0 t माइनस 2। m1 l0, l0 ये तो l सब में l आ रहा है, केवल एक ही इक्वेशन है जिसमें आपके पास l नहीं है, l0 है, दैट इज दिस इज m1 t माइनस 2, m1 t माइनस 2। एक बढ़िया क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 1 m1 t माइनस 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोला हुआ है दैट इन दिस क्वेश्चन द टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये जो है चीज हमारे पास हो चुका है दैट इज टाइम, ये अपने पास क्या है, दिस इज टाइम। आगे ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन रेडियस, ये अपने पास रेडियस है, कहने का मतलब ये लेंथ है, ये अपने पास डेंसिटी है, वी हैव अदर क्वांटिटी दैट इज सरफेस टेंशन, द रिलेशन बिटवीन देम इज गिवन बाय, ठीक है। तो रिलेशन कैलकुलेट करना है हम लोग को, तो हम लोग यहां पर देखें कि अपने को एक्सप्रेस करना है टाइम एज अ फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, एज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड एज अ फंक्शन ऑफ अपने पास क्या है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसमें अगर अपन चलते हैं तो हमारे पास सिचुएशन जो रह रही है अपन इसको यू लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर द टाइम डिपेंड्स ऑन द आर टू द पावर ए, डेंसिटी टू द पावर बी एंड सरफेस टेंशन टू द पावर सी। ये अपन यहां पर कंसीडर करते हैं क्योंकि अपने को टाइम को इनके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंट करनी है। आप यहां पर इक्वल टू लिख सकते हैं और या प्रोपोर्शनलिटी साइन भी हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं। अगर अपन आर की भी बात करें तो आर जो बेसिकली हो जाएगा आर की डायमेंशन रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन रेडियस लेंथ होती है, तो रेडियस की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल हो जाएगी। अगर अपन यहां पर बात करते हैं कि अपने पास जो अगली क्वांटिटी है दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी होता है हमारे पास कौन, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी की डायमेंशन जो बनेगी दैट इज एम वन एल माइनस थ्री, एम वन एल माइनस थ्री। और हमारे पास अगर तीसरी क्वांटिटी की बात करें तो तीसरी क्वांटिटी अपने को दे रखी है दैट इज सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन अपने पास क्या हो जाएगा लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ में अपन चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 l1 t माइनस 2 अपॉन लेंथ अपने पास हो जाएगा l, तो आपके पास सरफेस टेंशन की डायमेंशन बनेगी दैट इज m1 t माइनस 2, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशन हम लोग पुट करते हैं तो टाइम की प्रोपोर्शनलिटी बनेगी दैट प्रोपोर्शनल टू आर, आर की वैल्यू अगर अपन देखें तो आर की डायमेंशन क्या है एल, पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास ए, डेंसिटी की डायमेंशन अपन देखें तो दैट विल बी एम वन एल माइनस थ्री, पावर कितनी हो जाएगी अपने पास बी,
और यहां पर अगर अपन देखें तो सरफेस टेंशन में आपकी जो डायमेंशन चलेगी दैट विल बी एम वन टी, टी रहेगा ये टी माइनस टू अपने पास यहां पर बनेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल इक्वेशन हमारे पास बन रही है, चलते हैं इस इक्वेशन को एक्सटेंड करते हैं। इक्वेशन को एक्सटेंड करने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो बनेगा दैट इज टी विल बी प्रोपोर्शनल टू ये रहेगा एल टू द पावर ए, एम टू द पावर अपने पास कितना हो जाएगा बी, एल टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा थ्री बी, एम टू द पावर बी, एल टू द पावर माइनस थ्री बी। और यहां से अगर अपन बात करें तो वापस से हमारे पास क्या बनेगा एम वन टी माइनस टू, सरफेस टेंशन की पावर अपने पास कितनी है दैट इज सी, तो यहां पर क्या रहेगा सी, तो ये हो जाएगा एम की पावर सी, और इधर बात करेंगे तो टी टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो सारी क्वांटिटीज को अगर अपन कंबाइन करें देन टी विल बी प्रोपोर्शनल टू एम 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 सारे कलेक्ट करते हैं एम हो गया ये कितना हो जाएगा अपने पास बी प्लस सी, ठीक है। उसके साथ साथ अपन चलते हैं एल को कलेक्ट करते हैं तो एल ये हो गया ए और एल ये हो गया माइनस थ्री बी, और यहां पर अपन चलते हैं देन विल कम वी विल कलेक्ट ऑल द टीज और टीज को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास टी टू द पावर कितना बन रहा है माइनस टू सी। अब अपन इधर उधर पावर्स का क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, पावर्स का कंपैरिजन करने पर हम लोग देखेंगे कि टी की पावर इधर कितनी है वन है, तो बेसिकली कंपैरिजन करने पर हम लोग को ऑप्टेन होगा माइनस टू सी दैट विल बी इक्वल टू वन, इधर अपने पास एक इक्वेशन जो बननी है बी प्लस सी दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और एक इक्वेशन बनेगी ए माइनस थ्री बी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास सी का एक्सप्रेशन बनेगा सी विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यहां से आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा बी विल बी इक्वल टू माइनस सी, और उससे बी का रिजल्ट बनेगा हमारे पास बी विल बी इक्वल टू वन बाई टू, और ए विल बी इक्वल टू थ्री बी, ए विल बी इक्वल टू थ्री बी के अकॉर्डिंग ए का एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी थ्री बाई टू। तो इन क्वांटिटीज को अगर अपन इस फॉर्मेट में फिर से अरेंज करें तो अरेंज करने पर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को अगर अपन देखें देन टी विल बी प्रोपोर्शनल टू इधर चल रहा है कौन रेडियस टू द पावर ए, और रेडियस टू द पावर कितना है ए है, तो रेडियस टू द पावर आपके पास कितना हो जाएगा थ्री बाई टू। आगे चल रहा है आपके पास कौन डेंसिटी टू द पावर पी है, तो डेंसिटी टू द पावर बी, तो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास वन बाई टू। और फिर है हमारे पास कौन सरफेस टेंशन टू द पावर सी है, तो सरफेस टेंशन की पावर सी होने पर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये यहाँ पर माइनस वन बाई टू। तो अरेंज करते हैं टी विल बी प्रोपोर्शनल टू इधर आर और डेंसिटी दोनों ऊपर डेंसिटी टू द पावर वन बाई टू आर टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन सरफेस टेंशन टू द पावर क्या हो जाएगी वन बाई टू, ये सारे वन बाई टू को एक साइड में करता हूँ तो टी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई टू को अपन अंडर रूट कर लेते हैं दिस इज रो आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा एस, वन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर यूनिट डायमेंशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिजल्ट देखा, हमारे पास रिजल्ट जो बन रहा है टी विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा एस हो जाएगा रो आर क्यूब अपॉन एस रो आर क्यूब अपॉन एस, तो आंसर विल बी टू, ठीक है। रो आर क्यूब न्यूमरेटर में रो आर क्यूब है इधर रो आर स्क्वायर है, आंसर विल बी टू ऑफ द क्वेश्चन नंबर थ्री। एक बढ़िया क्वेश्चन है देख सकते हैं अच्छे से अपन लोगों ने सॉल्व किया है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर, ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ए यूनिटलेस क्वांटिटी ऑलवेज हैव नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन और डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक मात्रकहीन राशि की सदैव अशून्य विमा होगी, ठीक है, अशून्य विमा हो सकती है या फिर अशून्य विमा कभी भी नहीं होगी। थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी की बात करी है, वी हैव ए क्वांटिटी अगर वो यूनिटलेस है यूनिटलेस है तो वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस भी होगी, ठीक है। कहने का मतलब एक क्वांटिटी अगर यूनिटलेस है दैट क्वांटिटी विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस, क्योंकि आपके पास डायमेंशन बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि अगर एक क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो ये जरूरी नहीं कि वो यूनिटलेस भी हो, जैसे एंगल, एंगल की डायमेंशन क्या होती है एंगल इज डायमेंशनलेस एम जीरो एल जीरो टी जीरो, बट एंगल की यूनिट्स क्या होती है ऐसा यूनिट दैट इज रेडियन। तो आपके पास एंगल के लिए यूनिट है बट उसकी वो डायमेंशन लेस है, बट अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस ही है तो वो हमेशा क्या रहेगी डायमेंशन लेस रहेगी, मींस यूनिट लेस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी डायमेंशन लेस, मींस इट विल नेवर हैव नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैव नॉन जीरो, नेवर नॉन मींस इट विल ऑलवेज हैव जीरो डायमेंशन। एक बढ़िया क्वेश्चन है जो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, यूनिटलेस क्वांटिटी विल ऑलवेज हैव जीरो डायमेंशन और इट विल बी हैविंग इट विल बी डायमेंशनलेस और इट विल नेवर हैव नॉन जीरो डायमेंशन, गुड क्वेश्चन। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव,
वी हैव अ वायर ऑफ मास दिस डेटा एंड रेडियस ऑफ दिस डेटा एंड द लेंथ ऑफ दिस डेटा. हमारे पास एक वायर है जिसके लिए मास, लेंथ और रेडियस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी. इसकी डेंसिटी के मेजरमेंट में हम लोग कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर करेंगे. चलते हैं डेंसिटी. डेंसिटी दैट इज रो मास बाई क्या रहेगा वॉल्यूम. आगे चलाते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. अगर अपन लगाएंगे वॉल्यूम में क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया इनटू लेंथ. वापस से वायर है तो यहां पर एरिया, वायर के लिए अगर अपन बात करें तो ये वायर इस तरह से रहेगा और सिचुएशन ये वायर में इधर हो गया हमारे पास क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिखेगा उसकी रेडियस या इस वायर के लिए रेडियस अपने को आर दे रखी है, लेंथ अपने पास दे रखी है दैट इज एल और मास इसका अपने को एम दे रखा है. तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस सेक्शन देखूँ तो आपको सर्किल दिखेगा और एम अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एल. तो चलते हैं डेंसिटी में परसेंटेज एरर की बात करें तो डेल्टा रो अपॉन क्या हो जाएगा रो दैट विल बी डेल्टा एम अपॉन एम. एरर्स विल ऑलवेज बी एडिटिव तो यहाँ पर हो जाएगा टू इंटू अपने पास लग जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर प्लस हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन क्या हो जाएगा एल. वैल्यूज को पुट करते हैं. वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास पहली सिचुएशन मास दिया हुआ है और परसेंटेज एरर में इसको 100 से भी अपने को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इस पूरी क्वांटिटी को या इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 से मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं ये जो सारे है दिस इज डेल्टा एम दिस इज एम दिस इज डेल्टा एल दिस इज एल दिस इज डेल्टा आर और ये क्या हो गया आपके पास आर हो गया. चलते हैं डेल्टा एम इसमें साथ में मैं 100 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा एम दैट इज 0.3 अपॉन एम की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 प्लस 2 इनटू डेल्टा आर. डेल्टा आर इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन कितना बन जाएगा ये 0.5 अपॉन 0.5 प्लस इधर चलते हैं डेल्टा एल इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर बनेगा 6 अपॉन कितना है 6. तो सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं ठीक है और हमारे पास जो टर्म बननी है दैट इज 1 प्लस 2 इनटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 ये बन जाएगा आपके पास कितना 4%. तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 4%. तो हमारे पास 4% इसका रिजल्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर 4 परसेंटेज एरर इन इट्स डेंसिटी. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बात करें हम लोग को ये गिवन है दैट वी हैव एफ दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाट विल बी द रिलेटिव एरर इन द एफ. यदि एफ का मान एफ एक्स स्क्वायर हो तो एफ में सापेक्ष त्रुटि क्या होगी. एफ में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा एफ अपॉन एफ पूछा है तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू अपने पास क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर रहेगा 4. एक सिंपल क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन इसी को अभी अपन पिछले क्वेश्चन में यूज भी किया था इसी कॉन्सेप्ट को. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर रहेगा 4. आगे चलते हैं हमारे पास सिचुएशन ये है दैट इफ ए वेक्टर पी मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द एक्सिस एक्स वाई जेड ठीक है देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा व्हाट विल बी इट्स वैल्यू. तो हम लोग ये जानते हैं कि द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. एक वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का जो सम होता है डायरेक्शन कोसाइंस दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उनके स्क्वायर्स का सम हमेशा क्या होता है यूनिटी होता है. तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देता हूं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूं. और अगर अपन बात करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2. फॉर अ वेक्टर स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन साइंस, डायरेक्शन साइंस का मतलब स्क्वायर ऑफ दीज आर डायरेक्शन साइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस है ये डायरेक्शन साइंस है तो स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन साइंस विल बी इक्वल्स टू 2. Means sum of square of direction signs will be equals to 2. एक अच्छा क्वेश्चन है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. क्वेश्चन नंबर 8. For any two vectors, a vector and b vector, ठीक है, we are given that a dot b is equals to magnitude of a cross b. दो सदिश दिए हुए हैं उनके लिए a dot b और a cross b के जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू बराबर है तो आपने को ये कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर. तो c का मैग्नीट्यूड अपने को कैलकुलेट करना है तो चलाते हैं अपन सिचुएशन a dot b इज इक्वल्स टू a cross b बोला हुआ है मैग्नीट्यूड तो a dot b क्या होता है ab cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या रहेगा, दैट इज ए बी साइन अपने पास क्या हो जाएगा थीटा। ए बी से मैं क्या कर देता हूँ, ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 45 डिग्री। कहने का मतलब ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल जो रहेगा दैट विल बी 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद अगर अपन बात करते हैं अपने को कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो सी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, और थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई है 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 1/√2। इस रूट टू को मैं इस टू से कैंसिल करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास रूट टू, और सी का एक्सप्रेशन बनेगा सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये बनेगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो देखते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 4 रूट टू ए बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं वी हैव टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज ए फोर्स अंडर रूट 3a² प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास दो फोर्स है जिनका जिनकी वैल्यूज अपने को दी हुई है दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एंड देयर रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ 3a² प्लस बी स्क्वायर। तो अपने को बताना है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू गिवन फोर्सेस। तो अपने पास चलते हैं पहला फोर्स, फोर्स नंबर 1 F1 दे रखा है और इसकी वैल्यू कितनी है a प्लस बी है, F2 दे रखा है और इसकी वैल्यू कितनी है a माइनस बी है, और इनका रिजल्टेंट जो दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी है दैट इज अंडर रूट ऑफ 3a² प्लस बी स्क्वायर। तो देखते हैं मुद्दा ये है कि रिजल्टेंट क्या होता है दो फोर्सेस का, रिजल्टेंट दैट विल बी f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है अंडर रूट 3a² प्लस क्या दे रखा है अपने को बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन क्योंकि इनका रिजल्टेंट ये है। तो अपन एक तो क्या कर देते हैं अंडर रूट स्क्वायर रूट रिमूव कर लेते हैं, स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे f1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a² प्लस b² प्लस का आएगा 2ab, इधर से वापस f2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका प्लस 2ab और इसका माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बनेगा 2a² प्लस 2b² इस पूरी चीज का क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, वापस से इधर चल रहा है हमारे पास 2 f1 f2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी एंड a माइनस बी, हमारे पास जो टर्म रहेगी दैट विल बी a² माइनस क्या हो जाएगा b² हमारी है, और उसी के साथ अपने पास यहां पर बन रहा है कौन cos थीटा, अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 3a² प्लस क्या हो जाएगा b² ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन ये डायरेक्ट सॉल्व किया है मैंने, आप लोग इसको एक स्टेप पे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सिंपल थिंग, इस 2a² को इधर भेजूंगा तो ये 3a² माइनस 2a² यहां पर बचेगा a², इस 2b² को इधर भेजूंगा तो 2b² आएगा माइनस का और उसकी वजह से हमारा माइनस b² बनेगा। इधर चल रहा है अपने पास 2a² माइनस क्या हो जाएगा b² इनटू ये हो जाएगा अपने पास cos थीटा, a² माइनस b² a² माइनस b² टर्म्स कैंसिल और हमारे पास यहां पर टर्म बन रही है 2 cos थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 1, तो यहां से cos थीटा अपने पास बनेगा कितना 1/2, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2, cos थीटा 1/2 अगर अपन बात करें तो थीटा थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, 60 डिग्री है ये बोल सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा π/3, थीटा π/3 cos 60 sin 30 1/2 60 डिग्री π/3 is our solution is answer number 2। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर नंबर हमारे पास क्या रहेगा 2 रहेगा, एंगल विल बी π/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इज दिस एंड आर इज दिस। तो लीनियर वेलोसिटी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा हमारे पास r वेक्टर, ये पूरी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो यहां पर बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी, दिस इज v वेक्टर, ये चलेगा मेरे पास i कैप, ये हो गया मेरे पास j कैप, इधर हो जाएगा मेरे पास k कैप और ओमेगा दैट इज 3 4 1 3 4 1 इसके कंपोनेंट्स। r की भी बात करेंगे तो दिस विल बी 5 6 6, चलें i के लिए बात करेंगे तो i के साथ बनेगा इधर 4 × 6 = 24, माइनस क्या हो गया हमारे पास 24 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 6, तो
ये बन जाएगा मेरे पास कितना 18 आई कैप। तो वैसे तो अपन यहां पर पहली टर्म में चल रहे हैं 18 आई कैप, केवल एक ही ऑप्शन में है 18 आई कैप चल रहा है अपने पास कहां पर, दिस विल बी फोर्थ ऑप्शन। तो 10वें का आंसर बनेगा हमारे पास कितना, फोर्थ आंसर। तो यहीं से अपन लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर अपन इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें तो सेकंड टर्म बनेगी माइनस जे कैप, और जे के लिए अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, इधर 18 माइनस हो जाएगा ये कितना 5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस अपना हो गया 5, और प्लस अपने पास तीसरी टर्म बनेगी के कैप, और इसके लिए बनेगा हमारे पास सिचुएशन दैट इज 18 माइनस क्या हो जाएगा 20, तो ये बनेगा 18 माइनस 20, 18 माइनस 5 दिस विल बी 13, तो ये बन जाएगा 13 माइनस का जी कैप, और इधर बन जाएगा 18 माइनस 20 दैट विल बी माइनस का अपने पास क्या बन जाएगा 2 के कैप, माइनस 2 के कैप। तो एक बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड रिजल्ट अपना रहेगा ये। वैसे इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल आई कैप वाले पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारे सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपने कंप्लीट किया, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है दैट स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर और इट रीचेस टू द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 3u। ठीक है, हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक टावर है और एक स्टोन को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, एंड दैट प्रोजेक्शन इज अपवर्ड, इसको अपवर्ड फेंका है इस टावर से, ये गया इधर की तरफ, कितने से जा रहा है u, stone is thrown upward with speed u from the top of tower, it reaches to the ground with velocity 3u, तो ये ऐसे जाके u जाके यहाँ आएगा और यहाँ पर इसकी जो velocity है वो कितनी दे रखी है अपने को, 3u दे रखी है। The height of the tower is, height calculate करनी है, तो basically height जो है वो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, displacement हो जाएगा, और that displacement in fact that will be negative, तो equation में अपने आप आ जाएगा। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपन पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2as। फाइनल वेलोसिटी अपने पास इधर की तरफ है, ठीक है, तो यूज कर लेते हैं अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज माइनस 3u का स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर होना है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, दैट इज प्लस u का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2। ए की बात करता हूं तो ए अपने पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा और जी ये रहेगा, तो इसकी वैल्यू अपन जी पुट करेंगे, बट इट विल बी माइनस जी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहां से अपन चलते हैं, तो दिस विल बी देखो 9 यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2g, ये हो जाएगा s, इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gs, वो भी माइनस का, 2 से 8 कैंसिल 4, और यहां से अगर अपन s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो s की वैल्यू आपके पास बनेगी माइनस 4u स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा g, डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस 4u स्क्वायर अपॉन g, कहने का मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में 4u स्क्वायर अपॉन g डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 4u स्क्वायर अपॉन g डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपके पास जो हाइट रह गई वो हाइट क्या हो जाएगी, अगर अपने को हाइट पूछा हुआ है दैट हाइट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, हाइट विल बी 4u स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास g। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा 4u स्क्वायर अपॉन g, आंसर विल बी 2, 4u स्क्वायर अपॉन g 11। डन, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 A particle starts from rest, its acceleration versus time curve. हम लोग को यहाँ पर एक पार्टिकल है और उसका acceleration versus time curve दिया हुआ है. The maximum speed of the particle will be. तो acceleration versus time curve अपने को दिया हुआ है और particle की maximum speed कितनी रहनी है वो हम लोग को calculate करना है. तो सीधा सीधा अपन चलेंगे. हम लोग जानते हैं कि acceleration time curve का जो area रहेगा, area under AT curve जो रहेगा, that will be basically change in velocity. इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, V will be equals to क्या होता है, U plus AT. तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं change in velocity, या इसको अपन यहाँ से देखें, तो acceleration will be equals to क्या होता है, DV upon DT. ठीक है, तो यहाँ से DV की अगर मैं बात करूँ, तो that will be A into क्या हो जाएगा, DT. या V की अगर बात करूँ, या change in velocity की अगर मैं बात करूँ, तो that will be integration A DT. तो area under the एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व विल बी इक्वल टू वेलोसिटी. तो यहां पर ये AT कर्व दे रखा है और इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे. पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई है 0, और इस टाइम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, और वो क्या रहेगा, इस ग्राफ का एरिया रहेगा.
एरिया, ये है 11, ये है 10, ये है ट्राइंगल, तो 1/2 ये हो गया मेरे पास 11, इनटू ये हो जाएगा मेरे पास 10, 110 का आधा दैट विल बी 55 मीटर पर सेकेंड। एक सिंपल क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी 55 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 अपन ने सॉल्व किया, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि विच ग्राफ शोज द सर्टेन शोज द वेरिएशन, सॉरी द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ है और ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन हम लोग को शो कर रहा है, विच वन ऑफ द ग्राफ बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब बात चल रही है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की, तो हम देखते हैं कि अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दे रखा होता है तब एक्सेलरेशन होता है v, ये हो जाएगा अपने पास कौन, dv अपॉन dx, ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू v और ये हो जाएगा dv अपॉन dx का मतलब स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा vx कर्व, स्लोप ऑफ vx कर्व, ये आपके पास है v, ये है x और ये रहा आपके पास स्लोप ऑफ vx कर्व की अगर अपन बात करेंगे तो दिस इज अवर स्लोप, स्लोप इसका एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री से क्या ज्यादा है, तो यहां पर अगर अपन इसके स्लोप की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन, इसको केवल और केवल इक्वेशन नहीं बनानी है, इसको अपन केवल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, दिस इज v, ठीक है, और स्लोप जो है वो आपके पास इस ग्राफ का क्या है, नेगेटिव है, तो इफेक्टिवली आपके पास एक्सेलरेशन की जो प्रोपोर्शनलिटी रहेगी वो माइनस v के साथ में रहेगी, एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शनलिटी माइनस v के साथ में रहेगी क्योंकि v तो चल ही रहा है और स्लोप अपने पास इस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व का क्या है, नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शनलिटी माइनस वी के साथ में रहेगी, माइनस वी के साथ में प्रोपोर्शनलिटी, चलाओ वी ऐसे चल रहा है, एक्सेलरेशन को चलाना है आपके पास माइनस वी की फॉर्म में, यानी कि यहां पर वी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, फिर ये इधर डिक्रीज हो रहा है तो आपको यहां पर ग्राफ जो बनाना है दैट शुड बी नेगेटिव ऑफ इट, नेगेटिव ऑफ इट का मतलब ये अगर 10 होता तो ये हो गया माइनस 10, इधर ये आपके पास 8 तो ये होगा माइनस 8, ये अगर आपके पास 4 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4, आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ ग्राफ्स आर फॉर्म, ठीक है, तो हमारे पास इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का कर्व रहेगा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का कर्व जो रहेगा दैट विल बी लाइक दिस, और प्रोपोर्शनलिटी उसकी जो रहेगी दैट विल बी टू माइनस वी, ठीक है, तो वी क्या हो रहा है, वी डिक्रीज हो रहा है, वी डिक्रीज हो रहा है, तो आपको इसका इस ग्राफ का क्या करना है, नेगेटिव ग्राफ बनाना है क्योंकि स्लोप जो वी एक्स का है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, चलते हैं अपन आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग साइड ए बी बी सी एन सी डी, ए बी बी सी एन सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर, ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड्स कितनी दे रखी है 25, ये भी हो गया 25, ये भी हो गया 25 विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो एक पार्टिकल जो है इस स्क्वायर पर इस तरह से मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं यहां पर इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, डिस्टेंस 25 + 25 + 25 दैट विल बी 75 और अभी स्पीड किससे कितने से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, 15 इसकी स्पीड है, तो इस प्रोसेस में यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम कितना लगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 75 अपॉन कितना हो जाएगा 15, जो हो गया अपने पास कितना 5 सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर, तो 5 सेकंड इसको टाइम लगेगा कहां से कहां तक जाने में, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम इज 5 सेकंड। अब आगे पूछा हुआ है अपने को एवरेज वेलोसिटी बतानी है, v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या रहेगा टाइम, यानी कि औसत वेग क्या रहेगा, विस्थापन बटा समय, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का अगर अपन डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या रहेगा, केवल और केवल ad रहेगा, अपॉन टाइम इसको कितना लग रहा है 5 AD, ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी ये कितनी है, ये 25 है तो ये भी कितनी रहेगी 25, तो ये हो गया 25 अपॉन क्या हो जाएगा 5 और ये बनेगा अपने पास कितना 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो रहेगी दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, एक सिंपल कॉन्सेप्ट जहां पर डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को अपन ने एक साथ लिंक किया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15,
The speed of body moving with uniform acceleration is u. एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो कितनी दे रखी है उसने, यू दे रखी है, ठीक है. तो दिस स्पीड इज डबल्ड कवरिंग ए डिस्टेंस एस. चलो ठीक है, ये हमारे पास पार्टिकल एक है जो यू से चल रहा है और ये एस डिस्टेंस अगर कवर करता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, टू यू हो जाती है. व्हेन इट कवर्स एन एडिशनल एस डिस्टेंस, जब वस्तु द्वारा अतिरिक्त एस दूरी यानी कि वस्तु आगे और एस डिस्टेंस कवर करेगा, this then its speed would become, ठीक है. तो इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ये अपने को स्पीड पता करना है. कहने का मतलब ये बोल रखा है कि पहले s डिस्टेंस चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, u से टू u हो रही है, बट बाद में अगली s डिस्टेंस कवर करेगा तो अब इसकी s डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलोसिटी क्या होने वाली है, ठीक है. तो चलते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ये. दिस इज v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, displacement दे रखा है. Final velocity, that is 2u का क्या हो गया तुम्हारा, whole square, that is equals to u square plus 2 acceleration, ठीक है. और displacement कितना किया अपन ने, s displacement किया है. तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3u square, 4u square minus u square, तो ये बनेगा 3u square is equals to कितना हो जाएगा, 2a into displacement. यहां से a की बात करूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3u square upon क्या हो जाएगा, 2a, 3u square upon 2a. आगे अगली बार वापस यही हो रहा है, बट अब इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 2u और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वापस से अप्लाई करते हैं, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी हो चुकी है, 2u का अपने पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू. a की वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी बन रही है आपके पास, दिस इज 3u स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2a. और अब एडिशनल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, दैट इज ऑल्सो s. क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है. तो यहां पर चलते हैं और ये एक्सेलरेशन, सॉरी ये 2a नहीं आएगा ना, ये तो s आएगा. यहां पर a की वैल्यू 2s का डिवाइड होगा तो यहां पर s आएगा, ठीक है. डन. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, s से अपने पास क्या हो गया, s कैंसिल, v स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे पास 4u स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3u स्क्वायर. अगर अपन बात करें v स्क्वायर के लिए तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 7u स्क्वायर. या अगर मैं v की बात करूं तो ये बनेगा मेरे पास अंडर रूट 7u v. वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग एडिशनल s डिस्टेंस विल बी अंडर रूट 7u, अंडर रूट 7u, अंडर रूट 3u, अंडर रूट 5u, अंडर रूट 11u, अंडर रूट 7u. अंडर रूट 7u विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. एक बढ़िया क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का एक अच्छा सा यूज है, ठीक है. दिस विल बी अंडर रूट 7u आंसर. क्वेश्चन नंबर अपन ने कंप्लीट किया 15. चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 ये बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन टाइम कर्व फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, निम्न में से कौन सा वक्र कण की एक समान गति के लिए त्वरण समय वक्र प्रदर्शित करता है. ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं इसके लिए. हमें पता करना है एक्सेलरेशन टाइम कर्व, बट मोशन हम लोग को दे रखा है यूनिफॉर्म मोशन या हम लोग को दे रखा है एक समान गति. एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी वेक्टर जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर अपन एक्सेलरेशन की बात करें तो दैट इज dv अपॉन क्या रहेगा, dt. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर अपन बोले देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो. यानी कि आपके पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा. ग्राफ में अगर अपन देखें तो किसी भी ग्राफ में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है. ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये एक्सेलरेशन लिटिल बिट पैराबोलिक टाइप का है. तो एक्सेलरेशन अपने को यूनिफॉर्म मोशन के लिए चाहिए जीरो, जो नहीं है तो हमारा रिजल्ट रहेगा नन ऑफ दीज. एक बेसिक क्वेश्चन है जो मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन विल बी जीरो. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 हमें बोल रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. ठीक है, तो हमारे पास एक बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड जो है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. इट क्रॉसेस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स. ओके, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, हम लोग को पूछा है एक नाव की रुके हुए जल में चाल जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है.
ठीक है, और ये 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को न्यूनतम संभव पथ के अनुदेश 15 मिनट में पार करती है, तो अपने को बताना है कि नदी के जल का वेग क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन चलते हैं कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देते हैं। हम लोग को ये बोला हुआ है, ये अपने पास एक रिवर है और इस रिवर में सिचुएशन ये है कि रिवर की विड्थ जो अपने को दे रखी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, हम इस पॉइंट ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट ए से मोशन शुरू हो रही है और इस मोशन को अगर अपन देखें तो अपने को रिवर क्रॉस करना है, बट दैट शुड बी मिनिमम पॉसिबल पाथ। मिनिमम पॉसिबल पाथ का मतलब आप ए से स्टार्ट करेंगे और आप ए के जो सामने वाला पॉइंट है बी, उस पर जाके अपनी मोशन को खत्म करेंगे। ये हो गया रिवर को मिनिमम पाथ में क्रॉस करना। मिनिमम पाथ का मतलब आपने सबसे कम डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल करी है। ठीक है, बेसिकली आप लोग, आप अपने पास रिवर जो है इधर की तरफ फ्लो हो रही है, लेट्स से तो रिवर फ्लो इधर की तरफ है और आपको इस ए बी पाथ के अनुदिश या ए बी पाथ के अलोंग जो है वो अपने को क्या करना है, यहां पर ट्रेवल करना है। तो उसके लिए आपको स्विमिंग जो करनी पड़ेगी वो इस डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। स्विमिंग के डायरेक्शन ये हो गया अपने पास वी एम आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अपन रिवर के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ जंप करेंगे, ठीक है, यानी कि अपन यहां से कुछ एंगल थीटा पर जंप करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से हम लोग को रिवर इधर की तरफ पुश करेगी, आगे अपने पास रिवर वेलोसिटी ये रहा और हमारी स्विमिंग स्पीड और रिवर वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट रहेगा वो हमारी अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी रहेगी और अर्थ की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो अपने पास किधर होनी चाहिए, अलोंग लाइन ए बी होनी चाहिए, यानी कि आप अर्थ के रेस्पेक्ट में ए से जाके बी पर जाके निकलोगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गवर्न। ये वी एम आर जो है ये अपने को दे रखा है, ये स्विमिंग वेलोसिटी है, दिस इज वी एम आर, और अपने को ये बोला हुआ है इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की विड्थ है जिसको 15 मिनट में क्रॉस किया जा रहा है। तो क्रॉस कौन कर रहा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी जो है ये क्रॉसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखते हैं अपने पास क्या हो गया। इधर देखें अगर अपन, तो दिस इज विड्थ डब्ल्यू, ठीक है, और डब्ल्यू अगर अपन टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम दैट इज विड्थ अपॉन कितनी स्पीड से जा रहे हैं अपन, ए बी के अलॉन्ग अपन किस स्पीड से जा रहे हैं, वी एम के, वी एम स्पीड से जा रहे हैं। तो ये हो गया मेरे पास कौन, वी एम, और अगर अपन यहां पर देखें देन टी, टी की वैल्यू आपको दे रखी है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का मतलब 1/4 आर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कितना, 1/4 आर, दैट इज इक्वल टू दिस इज विड्थ डब्ल्यू विच इज 1 किलोमीटर और ये अपने पास क्या हो गया, वी एम हो गया। Vm को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो आपके पास Vm की वैल्यू बनेगी, Vm विल बी इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आर। Vm इज 4 किलोमीटर पर आर, ठीक है, यानी कि आप अर्थ के रेस्पेक्ट में जो स्विमर है या जो बोट है वो 4 किलोमीटर पर आर से जारी है अर्थ के रेस्पेक्ट में, बट उसकी एक्चुअल स्विमिंग वेलोसिटी कितनी है या उसकी एक्चुअल रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आर। इस डायग्राम को अगर अपन देखें तो अपने को ये बोला गया है कि अपने को वी आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। VR के लिए ये बन रहा है अपने पास एक ट्रायंगल जिसमें ये हो गया हमारे पास VMR जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, इधर ये हो गया अपने पास VM जो अर्थ के रेस्पेक्ट में वैल्यू है उसकी वेलोसिटी कितनी है 4, और ये हो गई अपने पास रिवर वेलोसिटी वी रिवर जो अपने पास कितनी हो जाएगी। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें सिंपल अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो हम लोग VR के लिए बात कर सकते हैं, VR विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा VMR का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा Vm का स्क्वायर, Vr विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा मेरे पास कितना 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 दिस विल बी 9 और Vr की वेलोसिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट रहना है रिवर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आर बेसिक रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है कि किस तरह से हम लोग रिवर को मिनिमम पाथ के अलॉन्ग क्रॉस करते हैं, रिवर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आर। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ए प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, फाइन, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम इट, दिस ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, ओके, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी, एक वायुयान 500 मीटर प्रति सेकेंड से क्षितिज गति कर रहा है और ये वायु ये इससे कोई वस्तु प्रक्षेपित की जाती है या फेंकी जाती है, इससे वस्तु एक छोड़ी जाती है। ठीक है, यदि यह वस्तु 10 सेकंड में पृथ्वी पर टकरा रही है तो अपने को यह पता करना है कि वह कोण क्या होगा जिस पर वस्तु क्षितिज से वह कोण क्या होगा जिस पर वस्तु टकराई है। तो देखते हैं, ये अपने पास ले लेते हैं एक वायुयान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चल रहा है कितने से, 500
500 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इससे कोई ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी वो इस प्लेन के सेम रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जा रहा है उस ड्रॉप की जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई है u, दैट इज 500 मीटर पर सेकंड, और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो इसकी डायरेक्शन जो है वो ही रहेगी, तो यानी कि यहां से जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब इस पर अगर अपन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की बात करें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ इस तरह से मोशन करता हुआ यहां पर आके गिरेगा। यहां पर आके गिरेगा तो आपको ये पूछा हुआ है कि जिस एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है ओरिजेंटल से वो एंगल क्या रहेगा, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेशन में अपन चलते हैं, तो डायग्राम में अपन देखें तो इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देखें यू एक्स, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास कितना 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में अगर अपन बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है एक्स डायरेक्शन में। वापस से ये 2D मोशन में बात चल रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अपने पास वाई डायरेक्शन में अगर अपन बात करते हैं तो पार्टिकल की सारी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो अगर अपन यहां पर बात करें इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दैट इज जीरो, इधर वाई डायरेक्शन में अगर अपन इनिशियल वेलोसिटी की बात करें दैट इज जीरो, और अगर अपन यहां पर ए वाई की बात करें और मैं वाई डायरेक्शन नीचे पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं, इधर मेरे पास ये एक्स डायरेक्शन, तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, दैट विल बी जी, या इसको अपन अभी कंसिडर कर लेते हैं दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ पर स्ट्राइकिंग का एंगल जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स, और यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास इसकी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई, ये पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी है, तो वो वी जो रहेगी दैट वी विल बी रिजल्टेंट ऑफ वी एक्स एंड वी वाई, ठीक है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी है, और अपने को बेसिकली ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है क्योंकि पार्टिकल इधर से आके इस एंगल पर स्ट्राइक किया है उसने, क्या बात समझ आ रही है। स्ट्राइक करने का मतलब ये एंगल और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एंगल ऑफ स्ट्राइक जो होता है इस डायग्राम से देखें तो ये वी एक्स है और ये अपने पास कितना है वी वाई है, तो एंगल ऑफ स्ट्राइक जो होता है वो होता है टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास कौन वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी वाई अपॉन वी एक्स की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। चलते हैं इधर वी एक्स दैट इज इक्वल टू यू एक्स प्लस क्या हो जाएगा ए एक्स इंटू टी, ए एक्स की वैल्यू जीरो है तो वी एक्स की वैल्यू तो किसके बराबर रहनी है यू एक्स के बराबर ही रहनी है, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है 500 है। उसी तरह से अगर मैं वी वाई की बात करूं तो वी वाई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू वाई प्लस क्या हो जाएगा ए वाई इंटू टी, वी वाई की अगर मैं बात करूं तो यू वाई की वैल्यू जीरो है प्लस ए वाई की वैल्यू जो है वो कितनी है 10 है, और टाइम अपने को दे रखा है दैट इज 10 सेकंड, ये अपने को टाइम 10 सेकंड दे रखा है, तो वी वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि वाई डायरेक्शन में स्ट्राइक करने का जो वेलोसिटी रहेगा इधर की तरफ दैट विल बी 100 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास एंगल ऑफ स्ट्राइक की बात करें वी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 100 अपॉन वी एक्स की वैल्यू कितनी है 500, इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये मिल रहा है मेरे को 1/5, और अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो वो एंगल कितना हो जाएगा दैट इज 10 इनवर्स बनेगा अपने पास कितना 1/5, 10 इनवर्स 1/5। तो 18th क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज दिस एंगल ऑफ स्ट्राइक विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 1/5 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो कॉन्सेप्ट बेसिक यही है कि किसी ऑब्जेक्ट से कोई छोटा ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा जा रहा है या अलग हो रहा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है वो उस मेन ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग को ये बोल रहा है ए स्टोन इज थ्रोन एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक स्टोन जो है उसको अपन ने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। इट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट h, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाके यूं गिरेगा और ये मैक्सिमम हाइट अपने पास कितनी है h है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टोन विल बी, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये मैक्सिमम हाइट अपने को दे रखी है और ये रहता है हमारे पास इधर, यहां पर इसको स्ट्राइक करने का क्या रहेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक ये हवा में रहा या कितनी देर में इसने एयर ट्रेवल किया, तो दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो चलते हैं और हिंदी में ये बोल रहा है कि हमारे पास क्षितिज से थीटा कोण पर अपन ने वस्तु को प्रक्षेपित किया है, यदि वस्तु का उड्डयन काल t है और अधिकतम ऊंचाई h है तो अपने को t और h में संबंध बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी, टाइम ऑफ फ्लाइट की उड्डयन काल की वैल्यू देनी है। प्रोजेक्टाइल के लिए अपन एक रूल हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये रहता है r tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 4h r क्षितिज परास, ये यहां पर यहां से ये इसकी क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज,
दैट इज इक्वल टू 4H, दैट इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन होता है 2। ये रिलेशन इन तीनों पैरामीटर्स R, H और T में रिलेशन शो करता है। तो अपने को अभी H और T में रिलेशन चाहिए, तो ये इक्वेशन पिक कर लेते हैं। हमारे पास जी टी स्क्वायर अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 4H, तो ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 8H। T स्क्वायर की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 8H अपॉन कितना हो जाएगा G, और अगर मैं T की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 8H अपॉन क्या हो जाएगा G, जिसको अपन लिख सकते हैं दिस इज 2 अंडर रूट 2 H अपॉन क्या हो जाएगा G, तो 2 अंडर रूट 2 H अपॉन G, इधर रूट 2 H अपॉन G, 2 अंडर रूट 2 H अपॉन G, इधर चल रहा है अपने पास 2 अंडर रूट 2 H, नहीं साइन थीटा नहीं, तो ये रहेगा हमारे पास रिजल्ट दैट विल बी 2 रूट 2H upon G, the relation between maximum height and time of flight of the projectile, ठीक है? चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 20 को लेके, क्वेश्चन नंबर 20, the range of projectile fired at an angle of 15 degree is 50 meter, ठीक है? अपने को एक theta 1 की value दे रखी है, जो कितना अपने पास 15 degree है, ठीक है? और उसकी जो range दे रखी है R1, वो अपने पास होता है कितना? That is 50 meter. If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, ठीक है? अभी अपने को दूसरा angle दे दिया है, ये कितना है 45 degree, तो what will be its range? इस time पर इसकी range क्या रहेगी? वो अपने को calculate करना है, same velocity अपन project कर रहे हैं, ठीक है? अपन range के लिए expression जानते हैं, range का expression क्या होता है? R is equals to u square sine, ये रहता है अपने पास कितना 2 theta upon कितना रहेगा g, ठीक है? अगर इसको मैं solve करता हूँ तो हमारे पास क्या रहेगा, दैट आर विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा साइन, ये हो गया अपना 2 थीटा, ठीक है? और इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो अपने पास एंगल अलग अलग है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है और जी तो खैर सेम है ही है, तो अगर अपन बात करें R2 upon R1 दैट विल बी इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा 2 अपॉन क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू थीटा 1। देखो R2 की वैल्यू अपने को पता करनी है, R1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 50, इज इक्वल्स टू साइन 2 इंटू थीटा 2 कितना है 45, 2 इंटू थीटा 2 45 की मतलब क्या हो जाएगा दिस इज 90, साइन 90 अपॉन साइन 2 इंटू थीटा 1 2 इंटू 15 2 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है? तो ये बन जाएगा 1 और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और इधर से ये 50 है तो ये बेसिकली बनेगा 2/1, इस 50 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो R2 की वैल्यू जो बनेगी आपके पास कितनी हो जाएगी 50 इंटू 2 ये हो जाएगा मेरे पास कितना 100 मीटर, तो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है दैट इज 100 मीटर विल बी द रेंज 100 मीटर, ठीक है? तो बढ़िया क्वेश्चन है रेंज के लिए एक बार कि डिफरेंट एंगल्स, दिखने में आपको लगता है कि 15 डिग्री को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बट रेंज में हमारे पास 2 थीटा एक्सप्रेशन आता है, तो 15 डिग्री के लिए थीटा 2 थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी 30 डिग्री, ठीक है? तो रेंज विल बी 100 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्वेश्चन नंबर 21, ए पार्टिकल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ओके गुड, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको अपन ने हॉरिजॉन्टल से u वेलोसिटी से, पार्टिकल इज projected with velocity u, making angle अपने पास कितना है theta with the horizontal, ये theta horizontal से बनाया हुआ है, when it is at the highest point of the motion, what is the change in velocity? एक प्रक्षेप्य को theta से, theta कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है? तो जब ये गति के उच्चतम बिंदु पर हो तो इसके वेग में परिवर्तन क्या होगा, ये अपने को पता करना है, ठीक है? देखते हैं क्या है सिचुएशन, इधर प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है तो उसकी सिचुएशन ये रहती है कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा रहती है, ठीक है? अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है और वो अभी u थीटा एंगल पर है, मैं इस डायरेक्शन को x कंसिडर कर लेता हूं, इस डायरेक्शन को मैं y कंसिडर कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछा हुआ है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको चेंज इन स्पीड नहीं पूछा हुआ है, चेंज इन स्पीड अगर आपको पूछा जाता तो चेंज इन स्पीड हो जाता हमारे पास कितना, दिस इज फाइनल वैल्यू दिस इज इनिशियल वैल्यू u cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा u हो जाएगा, दैट इज चेंज इन स्पीड, बट अपने को ये पूछा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में यहां पर अगर अपन देखें तो इसका x कंपोनेंट, इस u का x कंपोनेंट क्या रहेगा u cos थीटा, इस u का y कंपोनेंट क्या रहेगा u sin थीटा, और अगर मैं इस
इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं वी इनिशियल बोल देता हूं, तो वी इनिशियल को वेक्टर फॉर्म में अगर अपन एक्सप्रेस करें, वी इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा अपने पास कितना आई कैप, प्लस ये बन जाएगा यू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास ये जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो इसमें वी वाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो जीरो रहेगी और ये सारी की सारी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में रहेगी, यानी कि मैं वी फाइनल की बात करना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये सारी की सारी एक्स डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आई कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं बात कर लेता हूं डेल्टा वी वेक्टर तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना वी फाइनल वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा वी इनिशियल वेक्टर, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप कैंसिल और हमारे पास क्या बचेगा माइनस में डेल्टा वी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ये बनेगा अपने पास यू साइन थीटा क्या बनेगा जे कैप। अगर आपको केवल चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला हुआ है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये माइनस केवल डायरेक्शन को शो करता है और ये बनेगा अपने पास यू साइन थीटा। तो एक बढ़िया रिजल्ट है, आप ये ध्यान रखें कि यहां पर अपने को चेंज इन स्पीड नहीं पूछा हुआ है, चेंज इन स्पीड अगर पूछा जाता तो ये क्या हो जाता आपके पास यू कॉस थीटा माइनस यू, बट आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछा है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी जो रहेगा दैट विल बी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। माइनस जो आया है वो केवल नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये वेलोसिटी का चेंज हुआ है, ये शो करने के लिए यहां पर माइनस बन रहा है, ठीक है, यू साइन थीटा। एक बढ़िया क्वेश्चन, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट देन ओके। एक ये बोला हुआ है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है आर, इट इज डबल द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होती है एच, और आपको दे रखा है कि आर इज इक्वल टू कितना अपने पास दैट इज 2h। एक इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है दैट इनिशियल वेलोसिटी इज एक्स आई कैप प्लस कितना दे रखा है वाई जे कैप, इसके अकॉर्डिंग मैं अगर ये बात करूंगी इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू वाई अपॉन यू एक्स, तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी वाई बाई एक्स। प्रोजेक्टाइल को इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है एक्स है, इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है वाई है, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये जो थीटा रहेगा वो क्या रहेगा वाई बाई एक्स रहेगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू वाई बाई एक्स। वापिस से इधर चलते हैं, रिलेशन अपन जानते हैं आर टेन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है 4h, r की वैल्यू दे रखी है अपने को 2h, दिस विल बी इक्वल टू 10 थीटा, ये हो जाएगा अपने पास कितना 4h, h से h कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स और 10 थीटा की वैल्यू आपके पास 2 बन रही है और 10 थीटा अपने पास जो बन रहा है दैट इज y अपॉन क्या हो गया x दैट इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2x, दिस y विल बी इक्वल टू 2x, ठीक है। तो बढ़िया रिलेशन यहां पर हम लोग को दिख रहा है, दिस y विल बी इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 2y नहीं y इज इक्वल टू 2x। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 22 फॉर ए प्रोजेक्टाइल, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिलेशन मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले r tan theta = 4h दैट इज = gt स्क्वायर / 2, ये तीनों जो पैरामीटर है r h t और r h और t इनमें रिलेशन शो करता है। चलें अपन क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन 23 A particle is thrown with speed u at an angle theta with the horizontal, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसको अपन ने थीटा एंगल पर u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। When the particle makes an angle phi with the horizontal, ये पार्टिकल ऐसे कुछ जा रहा है और किसी टाइम पर ये horizontal से कुछ एंगल यहां पर के क्रिएट कर रहा है वो कितना है phi है, its speeds become v, इसकी जो स्पीड है वो v हो जाती है, स्पीड becomes v का मतलब यहां पर जो स्पीड है वो क्या बन रही है v बन रही है, which is equal to, अपने को ये स्पीड v बतानी थी, ठीक है ओके। एक कण क्षितिज से थीटा कोण पर u चाल से प्रक्षेपित किया गया है और किसी क्षण यह क्षितिज से phi कोण बनाता है तब इसकी चाल v हो जाती है, तो v का मान होगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, एक प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वो हमेशा क्या रहता है सेम रहता है, सेम रहने का मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर देखेंगे तो ये कितना रहेगा यू कॉस थीटा रहेगा, तो हर जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा ही रहेगा। यहां पर अपने पास क्या है वी है और इस वी का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलता हूं तो ये बनेगा मेरे पास कितना वी कॉस फाई, तो ये वी कॉस फाई जो है वो इस यू कॉस थीटा के क्या रहेगा बराबर रहेगा,
बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा. ठीक है, यहां पर बन रहा है हमारे पास कौन, v cos phi, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा, v दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, cos phi. और अगर अपन इसको रिलेशन देखें तो ये बन जाएगा u cos, हो जाएगा ये u cos थीटा, ये बन जाएगा अपने पास कौन, sec phi. ठीक है, तो देखें रिलेशन में चलते हैं, u cos थीटा नहीं, u cos थीटा sec phi, u cos थीटा cos phi, नो u cos थीटा sec phi, u cos थीटा sec phi हमारे पास रहेगा. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर 3. आगे वाला क्या है, u sec थीटा cos phi, वो भी नहीं है, ये थोड़ा क्लोज मामला है, तो आप लोग इसको रीड करने में ध्यान रखें, दैट इज u cos थीटा क्या रहेगा अपने पास, sec phi, आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर. Question number 24, ये बोल रहा है, an object of mass 10 kg moves at a constant velocity of 10 meter per second. Okay, एक 10 kg का मास है, ये अपने पास हो गया 10 kg, और ये कितने से चल रहा है, 10 meter per second. A constant force that act on for 4 second, ठीक है, gives its speed of 2 meter per second in opposite direction. तो थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि इस पर एक फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कितनी हो जाती है, दैट इज 2 meter per second. ठीक है, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, बात करते हैं. तो अभी अपने पास एक 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड है जो नियत वेग 10 मीटर पर सेकंड से क्षैतिज दिशा में चल रहा है, और वस्तु पर एक नियत बल 4 सेकंड के लिए कार्य करता है, जिसकी वजह से उसका वेग विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है. तो अपने को यह बताना है कि उस बल का मान क्या होगा. बल, हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करें तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है, एफ डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, एम वी माइनस क्या हो जाएगा, यू. एफ की वैल्यू पता करनी है, डेल्टा टी टाइम जो लगा है वो कितना है अपने पास, 4 सेकंड है. एम की वैल्यू, एम की वैल्यू देखिए तो आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 kg, वी फाइनल वेलोसिटी. अब आपको इसमें एक डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपन पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और फोर्स जो रहेगा वो अभी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि आपको ये 10 दे दिया है, तो इसको अपन पॉजिटिव कंसिडर करते हुए बात करेंगे. ठीक है, तो ये 10 हो गया, यानी कि आपके पास अगर अपन u की वैल्यू बोले तो u की वैल्यू आपके पास कितनी है, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड. और उसी टाइम पर अगर मैं v की बात करता हूं तो v की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. तो अप्लाई करते हैं इक्वेशन, v की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, और u की वैल्यू माइनस प्लस 10, माइनस ऑफ प्लस 10. ठीक है, ये इस तरह से है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f into 4, that will be equals to, ये बन जाएगा मेरे पास 10 इंटू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 12, 4 और 12 की बात करें तो ये रहेगा मेरे पास 3. तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू बनेगी 10 इंटू 3, बट दिस विल बी नेगेटिव, माइनस 13 न्यूटन. ठीक है, तो माइनस 13 न्यूटन रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर रहेगा 2. चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, 25. A particle of mass m strikes on wall at angle of incidence 60 degree. ठीक है, with velocity u elastically, the change in momentum is. Okay, ये हमारे पास एक wall है. इस wall पर एक particle आ रहा है. उस particle का mass अपने पास कितना है? ये mass अपने पास m है. और ये इधर v velocity से run कर रहा है. v velocity से run करते हुए ये यहाँ पर elastically strike कर रहा है. elastically strike करने के जो rules होते हैं वो ये होंगे, एक इसका angle of incidence 60 degree है, तो ये 60 degree angle दे रखा है आपको. normal के साथ बनने वाला angle जो है 60 degree है. elastic strike में ये यहाँ से rebound होगा, और rebound होने के बाद वो elastic strike में same angle पर same velocity से strike होगा, rebound होगा. ठीक है, this is elastic collision of ball with respect to with wall. इस जगह पर change in momentum जो रहता है, that change in momentum अगर अपन देखें तो एक direction में change होगा, क्योंकि इधर horizontal component, इधर रहेगा vertical component, इधर रहेगा horizontal component, इधर रहेगा vertical component, और ऐसे situation में particle का जो अगर अपन angle theta ये दे रखा है, तो theta यहाँ पर z बन रहा है, ये theta, तो horizontal component यहाँ पर देखेंगे तो mv cos theta इधर रहेगा, और इधर ये theta है, तो ये theta अपने पास इधर रहेगा, तो इधर mv cos theta इधर रहेगा.
दोनों केसेस में वर्टिकल कंपोनेंट जो mv sin थीटा है और mv sin थीटा है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो mv sin थीटा में कोई चेंज नहीं हुआ है, मोमेंटम जो चेंज हुआ है वो किस में चेंज हुआ है, mv cos थीटा में। तो ऐसी सिचुएशन में चेंज इन मोमेंटम जो हमेशा रहता है दैट इज 2mv cos थीटा गिवन दैट थीटा इज दिस एंगल, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है तो ये नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल है। ठीक है, देख सकते हैं ये अपने पास इधर का कंपोनेंट जो बनेगा mv cos थीटा, और ये इस mv का इधर वाला कंपोनेंट बनेगा वो भी कितना रहेगा mv cos थीटा, mv cos थीटा, mv cos थीटा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास कितना 2mv cos थीटा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2m तो m v और cos अपने पास हो जाएगा कितना 60, cos 60 sin 30 1 / 2, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो बनेगा वो कितना बन जाएगा mv, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी mv, तो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स ए 2 kg ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच दैट इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय x = t³ / 3। पोजीशन हमारे पास है दैट इज t³ / 3, where x is in meters and t is in seconds, the work done by force in the first 2 seconds, तो आपको t की वैल्यू दे रखी है 2 सेकंड और 2 सेकंड में वर्क डन अपने को कैलकुलेट करना है। एक बल के प्रभाव में 2 kg का पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसकी स्थिति समय के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो अपने को यह बताना है कि बल द्वारा प्रथम 2 सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यह दे रखा है, कॉन्सेप्ट को सारे पिक करते हैं, तो वर्क डन जो रहता है वो क्या रहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा मेरे पास क्या, k फाइनल माइनस k इनिशियल। ठीक है, या वर्क डन के लिए मैं ये लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी को अगर पुट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 / 2 एम वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को वेलोसिटी चाहिए, एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो हम जानते हैं वी क्या होता है, वी दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन क्या रहेगा डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बनेगा 3t स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल और अब v का एक्सप्रेशन जो बन रहा है दैट v एक्सप्रेशन इज t स्क्वायर। इसमें मैं t = 0 पुट करता हूं, t = 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी मिलेगी यहां पर t की वैल्यू 0 तो u की वैल्यू 0, बाद में दूसरा टाइम जो बोला हुआ है 2 सेकंड्स बोला हुआ है यानी कि t की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो मेरे को v की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी 2 स्क्वायर, यानी कि v की वैल्यू कितनी बन रही है अपने पास 4 बन रही है। ठीक है, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अपन ने निकाला और वो कितना बन रहा है dx / dt से, w अपने को चाहिए, दिस इज 1 / 2, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है अपने को कितना 2 kg, तो दिस इज 2 kg, v की वैल्यू यहां से बन रही है 4 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर, तो अगर अपन देखें तो दिस 2 टू 2 कैंसिल और वर्क डन जो बनेगा 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16 जूल। सब एमकेएस में चल रहा है तो रिजल्ट आपका किसमें आएगा, जूल में आएगा, आंसर रहेगा हमारे पास कितना दैट इज 16 जूल under the action of this force। अच्छा क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन ने इसको प्रूव किया दैट चेंज वर्क डन ऑन द पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27, टू ऑब्जेक्ट्स विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1, एक दो ऑब्जेक्ट है k2 / k1, ये दे रखा आपको कितना 4:1, moving with equal linear momentum, ratio of their masses will be, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, दो पिंड हैं जिनकी गति ऊर्जाएं 4:1 में है और एक समान रैखिक संवेग से गतिशील है, रैखिक संवेग से गतिशील है तो आपको इनको द्रव्यमानों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा होती है मोमेंटम के साथ में पी स्क्वायर अपॉन क्या रहता है 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m, मोमेंटम जब सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के क्या रहेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन मोमेंटम इज सेम। ठीक है, तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि अपने को रेशियो ऑफ मासेस कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ मासेस अगर अपन कैलकुलेट करें तो अपने को कैलकुलेट करना है कितना m2 / कैलकुलेट करना है m1 जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो इसके बराबर हो जाएगा k1 / k2 के बराबर हो जाएगा, k2 / k1 की वैल्यू आपके पास 4:1 है तो ये कितना हो जाएगा 1:4, तो m2 / m1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास
1:4 या इसमें आप m2 m1 नहीं भी कंसीडर करें तो यहां से दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1:4 ठीक है। तो द्रव्यमानों का अनुपात 1:4 रहेगा जबकि वस्तुएं समान रैखिक संवेग से गति कर रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 अपन ने कंप्लीट किया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। A particle of mass m moves in a circle of radius r with constant speed v, ठीक है। एक m द्रव्यमान का कण है जो r त्रिज्या के पथ पर एक समान चाल v से चल रहा है। The work done when it completes one circle, work done when it complete one complete circle, तो इसको कैसे भी देखो आप लोग, आप इसको सिंपल ये रेफर कर सकते हैं कि एक सर्किल कंप्लीट करने पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, तो उस टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो इसका मतलब वर्क डन विल बी जीरो। पॉइंट नंबर वन, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन है ही नहीं, वर्क डन है नहीं, तो आपके पास क्या हो जाएगा इधर, दैट वर्क डन मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, देन वर्क डन विल बी जीरो। तो इसका रिजल्ट हमारे पास बनना है दैट इज जीरो। Done. एक सिंपल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 पर। A fighter plane moves in a vertical circle of radius r, the minimum velocity at the highest point of the circle will be। एक लड़ाकू विमान r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त पर गतिशील है, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर विमान का न्यूनतम वेग होगा, ठीक है। The minimum velocity of particle at the highest point. Highest point का मतलब ये है कि ये अपने पास lowest point है और ये vertical circle है और अपने को ये पूछा हुआ है कि vertical circle complete करने पर highest point पर minimum velocity कितनी रहेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास circle की radius अपने पास कितनी है, that is r, it is moving on radius circle of radius r, तो ये अपने पास हो गया r, ये हो गया r। यहां पर अपन जानते हैं कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने की कंडीशन क्या होती है कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो होनी चाहिए दैट इज अंडर रूट 5gr। उस टाइम पर अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो इस जगह पर मिनिमम वेलोसिटी जो बनती है वो बनेगी आपके पास अंडर रूट gr। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, हाफ एम यू स्क्वायर और यू की वैल्यू ये रही, दैट इज इक्वल टू उस जगह पर 1/2 mv2, वो अपने को पता करना है, प्लस ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एम जी इंटू कितना हो जाएगा अपने पास 2r। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट जो बनता है v की वैल्यू दैट विल बी अंडर रूट जी आर, ठीक है। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट व्हेन ए वर्टिकल सर्किल इज कंप्लीटेड, उच्चतम बिंदु पर विमान का न्यूनतम वेग, दैट विल बी रूट जी आर। डन। तो एक वर्टिकल सर्किल की अपन ने बात करी, ये एनर्जी कंजर्वेशन आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करें, अभी इसमें रिजल्ट बनेगा हमारा सीधा सीधा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5gr बन जाएगा 5/2, इधर से आप इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे तो विल बी गेटिंग रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 30 की डीए। 30, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, सेंटर ऑफ मास बॉडी का, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन अगर रिंग रिंग के लिए बात करें तो रिंग के लिए अब बॉडी के अंदर तो नहीं है ना, ये बाहर ही है। अगर मैं हाफ रिंग की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आएगा। तो लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट इज नॉट नेसेसरी। लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। अंदर हमेशा हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। लाइज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हमेशा बाहर हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है तो वो बॉडी के अंदर ही है, ठीक है, या स्फीयर के लिए बॉडी के अंदर ही है। इट मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, वस्तु के अंदर अथवा बाहर, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर अथवा बाहर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। वन बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आंसर नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। At the instance when the speed of A is v and the speed of B is 2v, the speed of the center of mass will be, okay। प्रारंभ में विरामावस्था में स्थित दो कण A तथा B परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति करते हैं। किसी क्षण A पर
ए की चाल v तथा बी की चाल क्या है, 2v है, तो उनके द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी। जब वस्तुएं परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, ये m1 ले लेते हैं या a बोल देते हैं इसको, ये m2 द्रव्यमान की है इसको b बोल देते हैं, ये दोनों परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जब गति कर रही है तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो रहेगा वो कभी भी विस्थापित नहीं होगा। द्रव्यमान केंद्र जब विस्थापित होता है, जब इस संपूर्ण निकाय या सेंटर ऑफ मास विल बी डिस्प्लेस्ड ओनली व्हेन व्हेन दिस कंप्लीट सिस्टम विल ऑब्जर्व वन फोर्स फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड एंड सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड। विल नॉट बी डिस्प्लेड का मतलब यहां पर अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी जाए तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। दोनों चल रहे हैं बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो रहेगी दैट विल बी जीरो, सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर रहेगा और इनफैक्ट इनका कॉलिजन भी जो होगा वो सेंटर ऑफ मास पर होगा। देखिए तो एक सेंटर ऑफ मास का बेसिक क्वेश्चन है, यहां पर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 इन परफेक्टली इनएलास्टिक कॉलिजन्स, इन परफेक्टली इनएलास्टिक कॉलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज, पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर में पिंडों का सापेक्ष वेग। ओके, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये कुछ यू वेलोसिटी से चल रहा है, ये कुछ रुका हुआ है, और इनके बीच में अगर परफेक्टली इनएलास्टिक कॉलिजन हो रही है, परफेक्टली इनएलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये होता है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मैं बोल देता हूँ एम वन ये एम टू, और परफेक्टली इनएलास्टिक का मतलब ये है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक साथ अटैच होके, एम वन एम टू दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ अटैच होके कुछ कॉमन वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी से ट्रेवल करने का मतलब ये भी v से जा रहा है और ये भी v से जा रहा है, यानी कि आफ्टर कॉलिजन इनका रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द इंपैक्ट इज जीरो, अगर रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द इंपैक्ट ऑफ जीरो हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ये भी v से जा रहा है और ये भी v से जा रहा है, तो इनका कॉलिजन ही कभी नहीं होगा, तो दिस इज नॉट करेक्ट। बिफोर द इंपैक्ट इज इक्वल टू द आफ्टर ऑफ इंपैक्ट, जरूरी नहीं है, पहले कुछ भी हो सकता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा और आफ्टर इंपैक्ट दोनों एक साथ जाएंगे, after impact is zero, relative velocity of the body is after impact is zero, दोनों एक साथ जा रहे हैं, कहने का मतलब दोनों की speed v है, relative velocity after the collision or after the impact will be zero, it characterized by it is characterized by इसको अपन इसी तरह से characterize करते हैं, perfectly inelastic collision की definition ही यही होती है। ठीक है, कि एक तो इनमें आपके पास क्या रहेगा, खैर energy loss तो है ही है यहाँ पर, but दोनों object एक साथ join होके चलेंगे। चलते हैं अगले सिचुएशन पर, क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 33 की। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस क्या रहेगा, एम डी स्क्वायर, द ग्राफ बिटवीन आई एंड डी विल बी, ये चल रहा है तो पहला आई इज प्रोपोर्शनल टू सम डी स्क्वायर, तो इसमें से बनने वाला जो रहेगा पैराबोला रहेगा, बट अगर मैं डी की वैल्यू जीरो पुट करता हूं, डी की वैल्यू जीरो पुट करता हूं, तो आई की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, आई सी एम। एक पैराबोलिक कर्व जिसमें अगर आप डी जीरो पुट कर रहे हो तो भी आपको कुछ वैल्यू ऑप्टेन हो, दैट इज आईसीएम। ये देखो ये पैराबोला है, पर अगर मैं डी की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो आई की वैल्यू जीरो आ रही है, दिस इज नॉट करेक्ट, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इसमें अगर अपन बात करें तो डी की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो आपको यहां पर कुछ वैल्यू आईसीएम मिल रही है, तो आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर बेसिक क्वेश्चन है कि ग्राफ कैसा बनेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। ए बॉडी इज एक्विलिब्रियम SHM हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम स्पीड इन द रेशियो 2:1। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ SHM इज, सरलावृत गति करती हुई एक वस्तु अधिकतम त्वरण तथा अधिकतम चाल का अनुपात जो है वो कितना है, 2:1 है। ठीक है, SHM का आवर्तकाल क्या होगा, SHM का आवर्तकाल क्या होगा का मतलब अपने पास ए मैक्स और अपने पास वी मैक्स, अधिकतम त्वरण, अधिकतम त्वरण और अधिकतम चाल, ये एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारे पास इनका जो रेशियो है दैट इज 2:1। 2:1 में अगर अपन ए मैक्स की बात करें तो ए मैक्स अपने पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी SHM में अपन जानते हैं ये कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए, और अगर अपन वी मैक्स की बात करें तो ये कितना होता है, ओमेगा इंटू ए, दिस विल बी 2:1। ए से ए कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यहां पर हमारे पास ओमेगा जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू 2।
ठीक है, ओमेगा दैट इज 2 पाई अपॉन क्या रहेगा टी, दैट इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल और ये टी बनेगा मेरे पास कितना, दैट इज पाई, टी की वैल्यू इधर टी शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी पाई सेकंड। ठीक है, तो टी अपने पास जो बनना है दैट इज ऑफ पाई सेकंड, पाई सेकंड चेक कर लेते हैं, 2 पाई, पाई बाय 2, पाई सेकंड। एक सिंपल क्वेश्चन जहां पर एसएचएम में आपके पास अधिकतम त्वरण दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए और अधिकतम वेग दैट इज क्या, दैट इज ओमेगा ए means maximum acceleration omega square a and maximum speed is omega a, इनका रेशियो दे रखा है जिससे अपन टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है दैट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r अराउंड अ प्लेनेट इज t, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r अराउंड अ प्लेनेट इज t। ठीक है, एक प्लेनेट है उसके चारों तरफ हमारे पास एक एक सैटेलाइट जो है वो कुछ आर रेडियस पर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है और उसके लिए टाइम पीरियड कितना दे रखा है अपने को, टी दे रखा है। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज रेडियस इज, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन इज 3r अराउंड द सेम प्लेनेट, इसी प्लेनेट के अबाउट यहां पर हमारे पास एक दूसरा सैटेलाइट है जिसकी रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन जो है दैट इज 3r, तो अपने को यहां पर ये कैलकुलेट करना है कि इसके लिए जो टाइम पीरियड जो रहेगा, द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अदर सैटेलाइट हुज रेडियस इज, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन इज 3r अराउंड द सेम प्लेनेट, यानी कि अपने को ये टी डैश की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है जबकि r की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 3r दे रखी है। ठीक है, चलते हैं, यहां पर बोल रहा है कि r त्रिज्या के वर्ती पथ पर एक गतिशील एक उपग्रह का आवर्तकाल क्या है, अपने पास t है। यदि समान ग्रह के चारों ओर एक अन्य उपग्रह 3r त्रिज्या के वर्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उसका आवर्तकाल क्या रहेगा। वी नीड टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अनदर सैटेलाइट और उसके लिए रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन 3r है। तो चलते हैं, सिंपल सैटेलाइट्स के लिए हम लोग जानते हैं दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, आर क्यूब, और प्लैनेट्स के लिए भी हम लोग अगर बात करें तो केपलर लॉ यही बोलता है दैट टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो देखते हैं अगर अपन यहां पर बात करें, इसको टी डैश नहीं, इसको मैं टी टू बोल देता हूं, देन टी टू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास टी, और उधर ये टी दे रखा है, दैट विल बी इक्वल टू, इसकी रेडियस कितनी है अपने पास, दिस इज 3r का क्या हो जाएगा क्यूब अपॉन उसके लिए कितना है r का क्या हो जाएगा क्यूब, यहां पर बात करें दिस इज टी स्क्वायर, टी टू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मेरे पास 3 का क्यूब, 3 इंटू कितना हो जाएगा, या 3 का क्यूब लिख देता हूं, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इधर वैसे भी, तो अगर अपन यहां पर बात करें टी टू के लिए देन टी टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 क्यूब इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास कितना बन गया ये टी स्क्वायर नॉट r टी स्क्वायर बन गया। तो अगर मैं टी टू की बात करूं देन टी टू विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा टी, 3 टू द पावर 3 बाई 2 को अपन लिख सकते हैं दिस टी टू विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 3 बाई 2, 1 3 पूरा 1 3 आधा दैट इज 3 रूट 3 टी, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अदर सैटेलाइट विल बी इक्वल टू 3 रूट 3 टी, 3 रूट 3 टी। क्वेश्चन नंबर 35, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू प्लैनेट्स इज 1/2, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू प्लैनेट्स कहने का मतलब अपने पास ये दे रखा है m2 अपॉन m1 की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1/1/2। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज, रेशियो ऑफ रेडियस बोल रखा है कहने का मतलब अपने पास बोल रखा है r2 अपॉन r1 की वैल्यू बोल रखी है दैट इज 1/2। दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है 1:2, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना है हमारे पास 1:2 है, तो दोनों चीजें दे रखी है। देन द रेशियो ऑफ जी विल बी, जी का रेशियो कैलकुलेट करना है, जी क्या होता है दैट इज जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन क्या रहेगा हमारे पास रेडियस ऑफ प्लेनेट का क्या रहेगा स्क्वायर, यानी कि जी एम अपॉन क्या रहता है आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो जी विल बी प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन क्या हो जाएगा रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें देन जी टू अपॉन जी वन की वैल्यू जो हो जाएगी ये बन जाएगा अपने पास कौन एम टू अपॉन एम वन, और आर रेसिप्रोकल में होने की वजह से ये बन जाएगा अपने पास क्या R1 अपॉन R2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि G2 है तो इसका रेडियस जो रहेगा डिनोमिनेटर में आएगा तो G2 का रेडियस डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा और G1 का रेडियस न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब M2 अपॉन M1 की वैल्यू, M2 अपॉन M1 की वैल्यू कितनी है अपने पास दैट इज 1/2, और R1 अपॉन R2 की वैल्यू, R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 2/1, इसका क्या लगेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 से 2 से 1 2 कैंसिल और हमारे पास रेशियो जो बनना है दैट विल बी इक्वल्स टू 2:1।
तो रिजल्ट रहेगा हमारे पास कितना, 2:1 सिंपल, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिए सिंपल क्वेश्चन, दिस विल बी 2:1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेशर एट हाफ डेप्थ ऑफ द लेक इज 2/3 ऑफ द प्रेशर एट बॉटम सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है, लेक के लिए चलते हैं, ये अपने पास लेक है, आउटसाइड प्रेशर जो है वो अपने पास कितना है PATM, और इसकी डेप्थ जो है उसको अपन बोल देते हैं h। तो यहां पर जो प्रेशर रहेगा डेप्थ लोएस्ट पॉइंट पर, दिस विल बी PATM प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास रो जी एच। आगे प्रेशर एट हाफ डेप्थ, हाफ डेप्थ का मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास इधर, दिस इज h बाई 2, और इस जगह पर जो प्रेशर है उसको अगर अपन लिखे PATM प्लस रो जी, ये कितना हो जाएगा एच बाई 2, तो इसकी वैल्यू बोली हुई है दिस इज 2/3 ऑफ द प्रेशर ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम सरफेस ऑफ द लेक। यानी कि किसी झील की आधी गहराई पर दाब, झील की तली का मतलब बॉटम सरफेस पर दाब का 2/3 है तो झील की गहराई होगी। ठीक है, तो ये जो प्रेशर दे रखा है दिस इज 2/3 ऑफ प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम कितना है PATM प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास रो जी एच। चलो सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन में अगर अपन देखें तो दिस विल बी PATM प्लस ये हो जाएगा रो जी एच अपॉन क्या हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/3 अपने पास बन जाएगा PATM प्लस ये बन जाएगा 2/3 ऑफ रो जी एच। ठीक है, तो अगर अपने को एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एच की वैल्यू के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इधर उधर ट्रांसफर करते हैं चीजों को, इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा रो जी एच, ये बन जाएगा मेरे पास 2/3 माइनस उधर से क्या आ जाएगा अपने पास 1/2, इसको इधर ट्रांसफर किया है तो 2/3 में से 1/2 जाएगा, और इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास PATM माइनस कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ PATM। ठीक है, सॉल्व करने पर अगर अपन देखेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास रो जी एच टर्म बनेगी इधर 3/2, ये बनेगा मेरे पास LCM 6, इधर गया 3/2, ये बनेगा मेरे पास 4 माइनस 2/3, ये बनेगा ऐसा, तो ये बन जाएगा अपने पास कितना PAT, इधर रो जी एच 4 माइनस 3/6, और इधर अगर अपन बात करें तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2, दिस विल बी PATM अपॉन कितना हो जाएगा 3, PATM अपॉन 3, इधर 4 माइनस 3 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास रो जी एच अपॉन क्या हो जाएगा 6, दैट विल बी इक्वल्स टू PATM अपॉन कितना बन जाएगा 3, 3/2 ये हो गया ये, और अपने को h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रो वाटर के लिए रो की वैल्यू कितनी रहेगी 10^3, g की वैल्यू अपने पास कितनी है 10, h की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, PATM की वैल्यू ये होती है 10^5 एटमॉस्फेयर प्रेशर अपॉन इधर चल रहा है 2, ये है 10^4, ये है 10^5, ये कैंसिल, h की वैल्यू h by 2 will be 10, then h will be equals to 20 मीटर, तो रिजल्ट अपने पास बनना चाहिए इसका 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर विल बी 20 मीटर, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, 37 से अपन चलते हैं 38 पर। 38 के लिए बोले द यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ l एंड रेडियस r इज y। ठीक है, इफ द लेंथ एंड रेडियस आर रिड्यूस्ड टू l / 2 एंड r / 2 देन इट्स यंग मॉडुलस विल बी। ठीक है, किसी l लंबाई तथा r त्रिज्या के तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कितना है, y है। ओके, यदि तार की लंबाई तथा त्रिज्या l / 2 तथा r / 2 कर दी जाए तो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक हो जाएगा। ओके, यंग मॉडुलस इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये मटेरियल की डाइमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है, कहने का मतलब आप अगर ये रिड्यूस कर रहे हैं तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये चीज कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर अपन बात करें स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है वाई टाइम्स अपन लिखते हैं स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बढ़ाने पर यहां पर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, डाइमेंशंस पर ये क्वांटिटी जो है ये नहीं डिपेंड करेगी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो वाई हमेशा क्या बना रहेगा हमारे पास वाई ही बना रहेगा जब तक कि मटेरियल सेम है, देन रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू वाई, यंग मॉडुलस विल बिकम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चलते हैं अपन अगली सिचुएशन पर, अगले क्वेश्चन पर, 39 क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 39 ये बोल रहा है एक्सेस प्रेशर ऑफ वन सोप बबल इज 4 times देन दैट ऑफ अदर। ठीक है, then the ratio of volumes of first bubble to the other bubble, second bubble is, चलो ठीक है, एक बबल है पहले वाला जिसका एक्सेस प्रेशर p excess 1 that will be equals to 4 times of p excess कितना है 2,
पी एक्सेस की बात करता हूं तो ये बबल है, बबल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 4t अपॉन ये बन जाएगा अपने पास r, और r को बोल देते हैं r1। इधर चल गया मेरे पास कितना, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ पी एक्सेस 2, दूसरा बबल है उसके लिए क्या हो जाएगा ये 4t अपॉन क्या हो जाएगा r2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, 4t से 4t कैंसिल, और अगर अपन यहां पर बात करें तो अपने पास सिचुएशन जो बन रही है वो क्या है कि r2 will be equals to क्या बन रहा है अपने पास 4r1, r2 will be equals to 4r1। अब अपने को पूछा हुआ है what is the ratio of volume, यानी कि अपने को आयतन का अनुपात पूछा है, तो volume of first bubble to the other bubble, यानी कि आपको v1 upon v2 का क्या ratio calculate करना है, v1 upon v2 का ratio, बबल है स्फीयर रहेंगे, वॉल्यूम जो रहता है 4/3 πr³, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब, यानी कि मैं v1 की बात करता हूं तो ये r1 क्यूब आ जाएगा, इधर अपने पास कौन आ जाएगा r2 क्यूब आ जाएगा, r1 की वैल्यू r1 क्यूब और r2 की वैल्यू अपन कितना रखेंगे 4r1 क्यूब। ठीक है, तो r1 क्यूब से r1 क्यूब कैंसिल, 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 16 × 4, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1/, ये बन गया 64, 16 × 4 1/64 हमारे पास जो रहेगा that will be result, 1/64 ratio of volumes of the two bubbles। चलते हैं अपन question number 30, question number 40 पर बात करते हैं, work done in blowing a soap bubble of radius r of solution of surface tension t will be, हम लोग को एक solution है और उससे अपन एक bubble बनाया है, तो उसको work done, work done क्या बोलते हैं अपन, that is T इंटू क्या होता है हमारे पास डेल्टा ए, डेल्टा ए में अगर अपन चलते हैं तो वर्क डन, बबल बनाया है तो अपन ने को कुछ नहीं मेंशन किया है, तो अपन ने जीरो से बबल बनाया है, तो ए इनिशियल जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी इंटू ए फाइनल, टी इंटू ए फाइनल। पर मुद्दा ये है कि अपन ने बबल बनाया है, और बबल में क्या होती है दो सरफेस होती है, लिक्विड की दो सरफेस होती है, तो यहां पर टी को अपन रिप्लेस करेंगे, तो वर्क डन सीधा लिख रहा हूं मैं, सरफेस 2 होने की वजह से हमारे पास यहां पर क्या बनेगा 2t बनेगा, ये जनरल एक्सप्रेशन है, बट बबल के लिए क्या कंसीडर करते हैं अपन, दैट इट विल कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस, तो अपन दोनों सरफेसेस का सरफेस टेंशन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज सरफेस एरिया की भी बात कर सकते हैं, t कंसीडर करते हुए डबल सरफेसेस के लिए दो सरफेस एरिया रहेंगे, दोनों में से कोई भी तरीका रेफर कर सकते हैं। ए फाइनल रेडियस कितनी दे रखी है, ये बबल है और इस बबल की रेडियस अपने पास कितनी है r है, पर इसमें इस तरह से ये दो सरफेसेस है, तो अगर अपन इसके सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4πr², तो रिजल्ट बनेगा 4 × 2, दैट विल बी 8πr² इनटू क्या हो जाएगा टी, द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 8πr² इनटू टी। ठीक है, तो ये बन गया अपना 8πr² इनटू टी, डन सिंपल। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41, we are given that wave equation of a wave is y is equals to a sin 314 t minus x by 5, then velocity of wave waves, kisi tarang ka tarang samikaran humko is prakar se diya gaya hai, to tarang ki chal kya hogi, tarang chal ya wave velocity jo hoti hai usko agar apan dekhe to wo hota hai coefficient of t upon coefficient of x, agar apan basic concept ki baat kare to agar apan a sin omega t minus kx ki baat kare to v kya hota hai, that is omega upon k, to yahan par omega ki value दे रखी है, ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 314, और के की वैल्यू ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो के की वैल्यू ये 314 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो 314 अपॉन 5 यहां पर किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है, तो 314 से 314 कैंसिल, 5 जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा अपने पास कितना 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42 पर, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर रिलेटिवली एट रेस्ट एंड इफ स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड देन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, जहां पर एक ध्वनि स्रोत तथा प्रेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में है, देन यदि ध्वनि की चाल में वृद्धि कर दी जाती है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम ध्वनि की चाल दुगुनी कर रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी हर्ड, यहां पर दोनों जो सोर्स और ऑब्जर्वर हैं ये रिलेटिवली रेस्ट पर हैं, और डॉपलर इफेक्ट केवल तब ऑब्जर्व होता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं, रिलेटिवली रेस्ट पर होने की वजह से
वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है उस वो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो सेम रहेगी, यहाँ पर रिलेटिव रेस्ट पर होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जिसमें अगर अपन देखें तो एफ डैश का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या रहता है हमारे पास, दैट इज वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन क्या रहता है, वी प्लस माइनस वी एस अपॉन क्या हो जाएगा ये, इंटू होता है एफ। तो इस एक्सप्रेशन में अगर रिलेटिव रेस्ट की बात हो रही है तो सोर्स और ऑब्जर्वर वीओ माइनस वीएस की वैल्यू जीरो है, तो उस वजह से इस फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मींस द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर विल नॉट चेंज। स्पीड ऑफ साउंड अगर इंक्रीज हुई है तो आप इसको रिलेटिव रेस्ट पर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज रिलेटिवली जीरो है। ठीक है, तो ये दोनों को वी वी रख देता हूं मैं, या वी वन रखूंगा तो वी वन रख के ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो एफ डैश की वैल्यू क्या बनेगी, एफ ही बनेगी, एंड the apparent frequency heard will not be changed, means वही frequency उसको सुनाई रहेगी, frequency अपरिवर्तित रहेगी। आगे चलते हैं question number 43, ठीक है, two tuning forks when soldered together produce beats of 5 second, ठीक है, the frequency of one fork is 256, ठीक, तो equation लिख सकते हैं, equation beats produce करने की क्या रहेगी, एक की 256 है और बीट चार प्रोड्यूस हो रही है, मींस वी हैव सिचुएशन कि अपने पास 256 माइनस एफ ये कितना हो सकता है, चार हो सकता है, या एफ माइनस 256 ये कितना हो सकता है, चार हो सकता है। ठीक है, अब अपने को ये पूछा हुआ है या ये बोला हुआ है, व्हेन द फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 इज लोडेड विद वैक्स, वैक्स को लोड कर, वैक्स से लोड करने पर फ्रीक्वेंसी जो रहती है 256 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उस टाइम पर नंबर ऑफ बीट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर फोर्क इज, तो दूसरे फोर्क की अपने को फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो जो जब दो स्वरित्र एक साथ बजा रहे हैं तो चार विस्पद उत्पन्न कर रहे हैं जिनमें से एक की जो आवृत्ति है वो 256 है, तो अपने को ये बताया जाता है कि जब 256 वाले स्वरित्र को मोम द्वारा भारित किया जाता है, यानी कि 256 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, मोम लगाने पर या वैक्स से लोड करने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इन दोनों इक्वेशंस में से अपने को ये चेक करना है कि 256 को अपन क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करेंगे, तो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो किसमें इंक्रीज हो रही है, इधर 256 को डिक्रीज करूंगा तो चार से वैल्यूज क्या होगी, डिक्रीज होगी, पर अगर मैं यहां पर 256 को डिक्रीज करता हूं तो चार से वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होगी, चार से वैल्यूज इंक्रीज होगी, तो हमारे पास f माइनस 256 विल बी इक्वल टू 4, इस 256 को इधर ट्रांसफर करूं तो f, दिस इक्वेशन विल बी करेक्ट इन माई सेंस, देखिए जबकि 256 को अपन रिड्यूस कर रहे हैं तो चार से नंबर ऑफ बीट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 256 प्लस क्या हो जाएगा, 4, 256 प्लस 4 अपने पास क्या बनेगा, 260 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर फोर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा, दैट इज 260 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर ट्यूनिंग फोर्क। डन, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, 44 क्वेश्चन पर, 44, a metal spear is hang by a string fixed to a wall, the spear is pushed away from the wall by a stick, okay, the forces acting on the spear are shown in this second diagram, okay, which of the following statement is wrong, chalo ek deewar se ek jodi dori dwara ek dhatvi gola latkaya jata hai aur kisi chhad dwara gole ko bahar ki or dhakela jata hai, to goli par lagne wale bal dusre chitra dwara pradarshit hai, apne ko ye batana hai kaun sa kathan galat hai, theek hai, yahan par ye chhad hai jisse apan ne gole ko idhar sarkaya hai aur forces ye hai, एक तो ये है कि ये अभी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो ये सारे जो वेक्टर सम रहेगा इनका वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, वेक्टर सम यानी कि टी वेक्टर प्लस पी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर सम जीरो रहेगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आगे अगर अपन पी की बात करें, पी और डब्ल्यू में रिलेशन, तो इस टी का एक कंपोनेंट इधर रहेगा जो रहेगा अपने पास टी कॉस थीटा, और इधर जो रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा, टी साइन थीटा, t sin theta p को बैलेंस करेगा, t cos theta w को बैलेंस करेगा, अगर अपन t sin theta की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास p upon t cos theta की बात करें तो ये अपने पास क्या हो जाएगा w, t से t कैंसिल, sin theta upon cos theta अपने पास क्या हो जाएगा tan theta, और p की बात करेंगे तो ये बन जाएगा p will be equals to w tan theta, p will be equals to w tan theta, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 90 डिग्री पर है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो जाएगा इधर जाएगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्या होगा डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा, इस टेंशन को बैलेंस करेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपना क्या है, टी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर
दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस या टी की वैल्यू जो रहेगी टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डन तो हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज फोर्सेस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर क्वेश्चन नंबर 45 ये बोल रहा है कि ए सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज ए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी इन इट इफ द बॉल इज हीटेड वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल इंक्रीज अगर अपन थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन इस तरह से होता है वो फोटोग्राफिक जूम होता है फोटोग्राफिक जूम में अगर आपके पास कोई कैविटी बनी हुई है तो आप फोटो को जूम कर रहे हैं तो कैविटी की साइज भी क्या होगी इंक्रीज होगी उस तरह से अगर अपन बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन इन द एवरी लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज तो अगर अपन बात करें वॉल्यूम के लिए तो कैविटी का वॉल्यूम जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक है थर्मल एक्सपेंशन डायमेंशन इंक्रीज होनी है जूम होना है जूम होने का मतलब जो अंदर कैविटी है वो भी क्या होगी बड़ी होगी थर्मल एक्सपेंशन बेसिक कॉन्सेप्ट 45 क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नंबर रहेगा 1 चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 46 पर 46 ये बोल रहा है इफ गामा डिनोट्स द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट एज कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस ठीक है द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल पीवी कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी यदि गामा किसी गैस के नियत दाब तथा नियत आयतन पर विशेष ऊष्माओं का अनुपात है तो गैस के लिए रुदोष्म तथा समतापी वक्रों को उनके प्रतिशत बिंदु पर ढालों का अनुपात होगा ठीक है गामा आपको गामा दे रखा है गामा इज बेसिकली सीपी अपॉन क्या है अपने पास सीवी ठीक है और अपने को ये बोला हुआ है कि इनके जो स्लोप है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व्स के स्लोप अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो स्लोप जो होता है अगर एडियाबेटिक का बोले तो एडियाबेटिक होता है स्लोप दैट इज माइनस गामा पी अपॉन रहता है वी और अगर अपन स्लोप बात करें आइसोथर्मल के लिए तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन वी तो माइनस पी अपॉन वी वी से वी कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल रिजल्ट बनेगा आपके पास गामा तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक टू द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू गामा एडियाबेटिक पहले है आइसोथर्मल पहले है आइसोथर्मल बाद में है तो दिस विल बी गामा ठीक है सिंपल क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर क्वेश्चन नंबर 47 ए कार्नोट इंजन हैज सेम एफिशिएंसी बिटवीन 800 टू 500 केल्विन एंड एक्स केल्विन टू 600 केल्विन द वैल्यू ऑफ एक्स इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो रहती है दैट इज नीटा 1 माइनस क्या रहेगा आपके पास T2 अपॉन T1 सिंक टेम्परेचर विच इज लोअर टेम्परेचर ये क्या रहेगा आपके पास हायर टेम्परेचर अगर दो सिस्टम है जिनकी एफिशिएंसी अगर सेम है कहने का मतलब पहला सिस्टम में ये ए सिस्टम बोल देता हूँ और दूसरे सिस्टम में 1 माइनस ये बन जाएगा मेरे पास T2 अपॉन T1 और सिस्टम को मैं बोल देता हूँ बी सिस्टम तो ये सी ये कैंसिल पहले वाले सिस्टम के लिए T2 अपॉन T1 ठीक है लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर तो ये बन गया आपके पास कितना 500 अपॉन क्या हो जाएगा 800 इधर दूसरे सिस्टम के लिए अगर अपन बात करें तो T2 लोअर टेम्परेचर ये ऑर्डर ऐसे दे रखा है तो आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है लोअर टेम्परेचर ये रहा अपने पास कौन बिटवीन दीज रेंजेस बात कर रहे हैं ये तो 800 से 500 बोला तो इधर से x से 600 बोला हुआ है तो 600 अपन लोअर टेम्परेचर कंसिडर करेंगे अपॉन अपने पास कितना हो जाएगा x वैल्यूज को देखते हैं ये दोनों कैंसिल और यहां से अगर अपन बात करते हैं तो x की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी 600 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा 5 ठीक है तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू बनेगी 6 12 × 8 तो ये कैंसिल अगर अपन सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 12 into 8, this will be 960 Kelvin. Result बनेगा इसका 960 Kelvin. Calculation है, simple. आप solve कर सकते हैं इसको. This will be 960 Kelvin. Question number अपन चलते हैं 48 पर. 48. The first law of thermodynamics is connected, concerned with the conservation of. First law of thermodynamics, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है तो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें अपन यहां पर बात कर रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है तो क्या होता है हीट सप्लाइड विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या रहेगा वर्क डन तो ये सारा मामला जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है डन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49
49 पर, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 ये बोल रहा है द टेम्परेचर विच इज सेम इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के लिए अगर अपन टीएसआई फॉलो करें तो टीएसआई इसके लिए 0 डिग्री से 100 डिग्री रहेगा आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट, इसके लिए अगर अपन बात करें तो ये रहता है हमारे पास कितना 32 और 212 फारेनहाइट। तो अगर अपन आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट की बात करें सी माइनस जीरो, टीएसआई क्या बोलता है सी माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, हर टेम्परेचर स्केल के लिए क्या रहेगा सेम, दिस विल बी एफ माइनस ये रहेगा मेरे पास 32 अपॉन क्या होगा 212 माइनस क्या हो जाएगा 32। तो इस इक्वेशन में अगर अपन चलते हैं दिस इज सी अपॉन 100 दैट इज एफ माइनस 32 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 180। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये बोला हुआ है कि टेम्परेचर विच इज सेम इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट, कहने का मतलब ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए आप सी और एफ दोनों की वैल्यू क्या रखेंगे सेम रख देते हैं दैट टेम्परेचर इज लेस से एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 100 कैंसिल भी करते हैं तो मैं यहां से 20 से कैंसिल करूं तो ये 5 बार और ये क्या हो जाएगा 9 बार, तो एक्स अपॉन 5 दैट विल बी इक्वल्स टू ये बन जाएगा मेरे पास कितना एक्स माइनस 32 अपॉन क्या हो जाएगा 9। अगर ये कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट बनेगा एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस 40, दिस विल बी द रिजल्ट। तो माइनस 40 हमारे पास वो टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ व्हाट इज द रिलेशन, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार क्या रिलेशन है, ये है हमने पास लैम्डा मैक्सिमम इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ तो हम लोगों ने अपना पेपर कंप्लीट किया, आपने अपने आंसर्स मैच किए होंगे, पेपर अच्छा हुआ होगा, स्टे मोटिवेटेड, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।